क्या होने वाला है, अच्छा ही होगा, हाँ डोंट वरी, तैयारी पूरी करके जाओ। ऑब्वियसली मतलब यार बड़े देखो, बड़े लोग क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा हमें बताएं। बड़े लोग ऑब्वियसली हर एक एंड पे, जिस आप लोगों के लिए काफी एम्बिगुइटी है कि क्या होने वाला है और वो सारा कुछ, उस तरीके से दूसरी साइड पे भी देखो, हर एक के लिए फर्स्ट टाइम है विद दिस पैटर्न ऑफ एग्जाम। लेकिन जो एग्जाम ले रहे हैं दे आर ऑलरेडी वेरी एक्सपीरियंस पीपल, उनके सर पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी भी है कि गलत ना कोई पास हो जाए, कोई गलत कंसल्टेंट, क्योंकि ये कोई और आम एग्जाम तो है नहीं इसमें, तो इसके बाद जाके आपने डील करना ह्यूमन लाइफ्स के साथ, पेशेंट्स मैनेज करने, तो अननेसेसरीली तो किसी को पास नहीं किया जाएगा। दे हैव अरेंज द रिसोर्सेज जितने कर सकते थे स्टेशन के हिसाब से, सो ऑब्वियसली हर अगले एग्जाम में इम्प्रूवमेंट तो होगी। और लेकिन यस, टाइम तो जैसे हमेशा से ही टोक्स और इन शॉर्ट स्टेशन में बहुत स्ट्रिक्ट रहा है, उसी तरह ही होगा। और कीज और स्टेशन बनाए हैं, फर्स्ट एग्जाम में बहुत सारी हो सकता है गलतियां रह जाए जो हर अगले एग्जाम में कवर होंगी। मे बी इट टेक्स अ फ्यू इयर्स जिसमें ये पूरा एस्टेब्लिश होगा सिस्टम, लेकिन ये कि तैयारी अपनी फुल करके जानी है, क्योंकि वही बात है कि गलत ये ना समझना कि पास हो ही जाएंगे या एटसेट्रा। सो और प्रेजेंस ऑफ माइंड, टाइम मैनेजमेंट इन अ सेंस कि यू शुड नो कि अगर 10 मिनट्स का एक स्टेशन है तो वो 10 मिनट्स का ही है। बेसिकली 10 मिनट्स ऑन एवरेज सारे स्टेशन पे रखने का मकसद भी यही था कि जैसे पहले अगर 10 मिनट्स का नहीं होता था, कम टाइम का स्टेशन होता था, तो बहुत सारी चीजें कवर नहीं होती थी, जैसे कोई ब्लैडर रिपेयर आ गई या कोई स्किल आ गया जिसके अंदर टाइम मैनेजमेंट की वजह से बस वाइवा पूरा कर लिया, बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल जितनी ने देखी उसी के ऊपर असेस कर लिया कि यहाँ तक ठीक है तो आगे भी ठीक होगा। 10 मिनट्स उसके लिए भी इसलिए बढ़ाए गए हैं ताकि कंप्लीटली देखा जाए कि अगर सर्जिकल स्किल का स्टेशन है तो उसको कंप्लीट तरीके से देख लिया जाए, वैल्यूएट कर लिया जाए कि अगर ब्लैडर रिपेयर है तो वो 10 मिनट्स में हो सकती है। ये सारी चीजें के जो नॉर्मल टोक्स के शॉर्ट, छोटे टाइम के शॉर्ट ड्यूरेशन के स्टेशन होते थे, उसका टाइम भी एक तरह से बढ़ गया ताकि उसको भी ठीक तरह से सेस किया जाए। और पहले अगर 12 स्टेशन होते थे सिर्फ शॉर्ट वाले, तो वो आप कह लो कि 5 होंगे वैसे, बाकी 5 आपके शॉर्ट केसेस वाले होंगे। तो इनशाला आई थिंक के ओवरऑल पास होना पहले से ज्यादा बेहतर, आसान भी हो सकता है, लेकिन जेन्युइन ज्यादा हो गया, थोड़ा सा लक बेस्ड कम हो गया, आपको खुद से मौका ज्यादा मिल रहा है पास होने का। कि अगर एक देखो, लक एक आधे स्टेशन में हो सकती है ना, जैसे पहले तो होता था कि एक लॉन्ग केस में पेशेंट ने एग्जामिनेशन कराने ही नहीं दिया, वहीं से आपके सेंसेस लूज हो गए कैंडिडेट के, और आपका जो है वाइवा खराब होना शुरू हो गया। लेकिन इसके अंदर किसी एक आधे स्टेशन में होगा ना, पर बाकी स्टेशन में आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो, जो कि करोगे, आई नो दैट। उसकी वजह यह है कि यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग लॉट, बेशक आपने पहले लॉन्ग केसेस भी प्रिपेयर किए थे, फिर एकदम से शॉर्ट केसेस का, उस स्ट्रेस में ही बहुत बड़ा पड़ा है। और एज सच व्हेन वी वर टेकिंग क्लासेस आल्सो, आई थिंक कि विद टाइम बहुत इम्प्रूवमेंट देखिए, आप लोगों के सवालों से ही बड़ा पता चल जाता था कि कितना पढ़ लिया। सो मुझे ऐसे लगता है कि माशाल्लाह मोर देन 80% ऑफ यू आर वेरी गुड इन योर थ्योरी, और स्पीच भी ठीक है। सो बस प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे रखना है, कॉन्फिडेंस रखना है वहां पे। अब आई थिंक कि एग्जामिनर बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं कर सकते जैसे शायद पहले कर देते थे, कि किसी वजह से अगर इफ दे फील लाइक अबाउट एनी कैंडिडेट के इसको मौका नहीं देना चाहिए, तो दे मे स्टार्ट यू नो कंफ्यूजिंग दैट कैंडिडेट। अब थोड़ा सा की बनी होगी तो शायद आपको कंफ्यूज करने का कम ही मौका हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कंफ्यूज हो गए तो वो थोड़ी सी बेवकूफी होगी, अपने हाथ से खुद ही एग्जाम निकालने वाली बात हो जाएगी। सो प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आंखों में आंखें डाल के एग्जामिनर को जवाब दो, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। यू आर राइट, अगर आप ठीक हो तो बी कॉन्फिडेंट, और आप ठीक ही होगे क्योंकि आप सबकी थ्योरी बहुत अच्छी हो चुकी हुई है माशाल्लाह। और क्लैरिटी से बोलो, टाइम के बारे में ये भी नहीं करना कि बस घड़ी निकली जा रही है तो मैं क्विकली क्विकली बस कर दूं। यू शुड नो एग्जैक्टली के एम्फसाइज करके कहाँ पे क्या बोलना है। कई दफा जब हम ओपीडी में बैठे होते हैं और हमने 70 मरीज देखने होते हैं अपने ओपीडी के अंदर हॉस्पिटल में, तो भी हमारे पास शायद इससे भी कहीं कम टाइम होता है,
और बट वी नो एग्जैक्टली कि उस मरीज से बात क्या करनी है और कहना क्या है. ये नहीं होता कि इंपॉर्टेंट चीजें मिस कर दें या अनइम्पॉर्टेंट कवर करें. सो क्लैरिटी के साथ बोलना है, बहुत दौड़े भी नहीं लगानी. आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है. अगर इफ योर बॉडी लैंग्वेज इज सच दैट लगे कि आप बहुत ज्यादा दौड़ में लगे हुए हो, या फिर घड़ी की जो टाइमिंग है आपके बहुत ज्यादा सर पे सवार है, वो भी गलत बात है. क्योंकि यू शुड लुक काम, यू शुड लुक वेरी कॉन्फिडेंट एंड क्लियर इन योर कॉन्सेप्ट्स एंड योर डिसीजंस जो वहां पे लोगे. अगर ले लिया वो डिसीजन, जैसे कि पेशेंट के सामने, अगर हम अपने क्लिनिक पे भी बैठे हुए हैं या अपने ओपीडी में बैठे हुए हैं और जल्दी जल्दी एक मरीज को बता रहे हैं कि जी आपकी हिस्टेरेक्टमी होनी है और ओवरीज का हम देख लेंगे करनी है या नहीं करनी है, और नो, उसको तो क्लैरिटी से बताना है ना कि हिस्टेरेक्टमी होनी है और ओवरीज का डिसीजन कैसे लेना है. इसी तरह एग्जाम में अगर आप, बेशक वही बात आप जल्दी कर रहे होगे तो वो दैट विल लुक वेरी वेरी ऑड. सो योर बॉडी लैंग्वेज मैटर्स अ लॉट, क्योंकि इट्स नॉट ओनली एन एग्जाम ऑफ योर डिसीजन मेकिंग और योर थ्योरी, इट्स एग्जाम ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज एज वेल. किस तरीके से आप अपने आप को कैरी भी कर रहे हो, चीजें गिर रही हैं, कुर्सियां गिर रही हैं, टकरियां हो रही हैं, टाइम के लिए परेशानियां हो रही हैं, उस वो भी ठीक नहीं है कि जी क्या नया पैटर्न ऑफ एग्जाम आ गया है तो जी पता नहीं हाथ पांव फूल गए हैं. इट्स इट शुड नॉट बी लाइक दैट. यू ऑल आर मेच्योर पीपल. एक बहुत मेच्योर पोस्ट के लिए ये एग्जाम आप कर रहे हो, जिसके जिसके बाद आप टेबल के दूसरी तरफ बैठे होगे जहाँ पे एग्जामिनर बैठे, लाइक यू विल बी कंसल्टेंट एज वेल इंशाल्लाह. तो यू कैन नॉट बिहेव लाइक, सो अपने आप को कंपोज रखना है, कोई हाथ पांव नहीं फैलाने, कोई एक गलती हो जाए, एक पूरा स्टेशन भी गलत हो जाए तो कोई मसला नहीं है. यही तो ये एग्जाम है, यही तो अकलमंदी है कि अगर एक स्टेशन भी गलत हो जाए तो प्लीज अपने आप को कंपोज रखो, आगे चलो. आगे शायद आप कई लोगों से बहुत बेहतर करोगे, शायद आप कुछ ऐसा बोलते हो जो अब तक के कोई कैंडिडेट बोल के नहीं गया, और उस बात पे शायद आपको इतने मार्क्स भी मिल जाएं कि पीछे वाला स्टेशन भी कवर हो जाए. लेना तो 6 out of 10 है ना, हर स्टेशन में 60% मार्क्स लेना है. तो अगर एक में 0 भी ले रहे हो और हर एक में आगे 8 8 भी ले रहे हो तो बड़े ही स्मूथली कवर हो रहे हैं, ठीक है. बस आपने अपने आप को, और किसी में 10 out of 10 भी आ सकते हैं, 9 out of 10 भी आ सकते हैं. आपकी कोशिश होनी चाहिए कि इतना अच्छा वहां पे बोलो कि एटलीस्ट 8 out of 10 आए. बट आई एम श्योर जितना अच्छा आप लोग अब कर रहे हो माशाल्लाह से आखिरी 1 हफ्ते में, मुझे तो ये लग रहा है कि यू ऑल आर डूइंग रियली गुड. योर थ्योरी स्ट्रांग है सबकी थ्योरी, फ्रेंकली इस टाइम पे कैंडिडेट्स की एग्जामिनर से ज्यादा स्ट्रांग होती है. एग्जामिनर आपकी थ्योरी से डर रहे होते हैं ऑब्वियसली. इवन इवन जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे होते हैं, आपने नोट किया होगा बहुत सारी बातें आप लोगों में से बहुत सारे लोग करते हैं जो कि जिसपे हम लोगों को भी होता है कि मतलब यू नो कई चीजें, कई रेफरेंसेस, कई बातें हम लोगों के लिए भी एक इन्फॉर्मेशन होती है. इट्स नॉट ओनली फॉर मी, मेरा तो खैर शायद वो नहीं, लेकिन मैं तो कहूंगी कि हर बंदा, जब आप आपस में टीचिंग में बात करते हो बहुत पॉइंट्स भी निकलते हैं. वो इसलिए निकल रहे होते हैं क्योंकि आप लोगों की थ्योरी इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, विच इज वेरी वेरी गुड. सो प्लीज कीप ऑन वर्किंग हार्ड और अपने आप को कंपोज रखो एंड बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट. अब कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है तो उसमें आपने बिल्कुल वो नहीं होना, परेशान नहीं होना, ठीक है. और कोई बात, कोई एंजाइटी बता दो, फिर कोई एक आधा केस भी कर लेते हैं. मैडम, मैंने ये पूछना था कि अभी तक जितने भी हमें कोई वर्कशॉप वगैरह भी अटेंड किया या जो भी सीनियर्स ने बताया, तो उसमें वो हिस्ट्री की बात बताते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन में मोस्टली टीचर्स हमें फाइंडिंग्स बता देते हैं। तो इससे मुझे तो अभी तक यही लग रहा कि हमें आप अभी मतलब कोई ऐसे अलग से स्टेशन एग्जामिनेशन का पता नहीं, अब यानी जैसे मॉड्यूल्स भी जो हैं उनमें भी कहीं देखो ऐसी बात बात नहीं ये है। कि एग्जामिनेशन से डरो नहीं. आप लोग तो अभी वो वाला ग्रुप हो या वो वाला बैच हो कि जिसने फिर भी बड़ी प्रैक्टिस की हुई है वार्ड्स में और लेबर रूम्स में. तो इस एग्जाम में तो अगर वो एग्जामिनेशन को बहुत इम्पोर्टेंस ना भी दें, वैसे एक आधा स्टेशन तो जरूर ही रखेंगे. देखो एग्जामिनेशन तो एक कैंडिडेट का सिर्फ फंडल हाइट मेजरमेंट नहीं असेस भी हो सकता है. उसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत हाई फाई कोई मास लोअर एब्डोमेन का ही वो केस रखें जिसमें बताना हो कि एडिनेक्सल मास है, यूट्राइन मास है, या एडिनोमायोसिस और फाइब्रॉइड को बताना. एक कैंडिडेट का फंडल हाइट ही बताना, उसको मेजरमेंट ही ठीक बता देना ही जो है आपका, वो पता लग जाता है कि इसका कितना एग्जामिनेशन इसने किया है और वो क्या है. उसके लिए हो सकता है आपके एग्जाम में शायद उतने ज्यादा मैनिक्वेंस या उतना ज्यादा रिसोर्स मटेरियल प्रॉबली ना हो एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि
आप लोगों का तो वो बैच है जो कि ट्रेनिंग में एग्जामिनेशन वाज लाइक यू नो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन योर ट्रेनिंग. लेकिन ये जरूर है कि इस एग्जाम को देख के अपनी ट्रेनिंग ना अफेक्ट हो जाए कि एग्जामिनेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग. हालांकि वो इतना इम्पोर्टेंट है हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, स्पेशली जहाँ पे बहुत ज्यादा इजिली रिसोर्सेज भी नहीं है कि एक मरीज इन्वेस्टिगेशन रहे, यू हैव टू मेक योर डायग्नोसिस विद एग्जामिनेशन प्लस अल्ट्रासाउंड और एग्जामिनेशन और प्लस अल्ट्रासाउंड फाइंडिंग और मे बी विद एग्जामिनेशन ओनली. कई दफा इतना भी टाइम नहीं होता है कि हम अल्ट्रासाउंड के लिए कहते, तो एग्जामिनेशन में तो आपको इतना अच्छा भी होना होता है. तो ट्रेनिंग का तो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन हो सकता है फॉर एनी रीजन उस तरह के उस लेवल के रिसोर्सेज अवेलेबल ना हो जिसकी वजह से. बट दिस अगेन डज नॉट रियली मीन के इसमें एक मैं बता रही हूँ सिर्फ फंडल हाइट ही मेजरमेंट से पता लग जाता है कई दफा, उसमें भी मार खाया. इट्स नॉट दैट यू आर टेलिंग द मेजरमेंट करेक्टली एग्जैक्टली के वो तो होना ही चाहिए फंडल हाइट में, लेकिन आप असेस कैसे कर रहे हो, अप्रोच कैसे कर रहे हो, एग्जामिन कैसे कर रहे हो, वही चीजें बड़ी एब्डोमिनल एग्जामिनेशन और प्रेगनेंट पेशेंट. हालांकि वो आपको लगेगा शायद IMM का स्टेशन हो या वो, लेकिन उसके अंदर भी आपको पता लग जाता है और लोग मार खा सकते हैं. हाई फाई स्टेशन शायद अगले कुछ एग्जाम में आना शुरू हो जाए फॉर एग्जामिनेशन, बट ये है कि जाहिर बात है देखो अभी पेशेंट तो होगा नहीं वहां पे एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि अगर 10 स्टेशन हैं, 10 कैंडिडेट्स हैं, तो एक स्टेशन को 10 दफा तो एग्जामिन ही करा सकते ना. सो पेशेंट तो होगा नहीं, मैनिक्विंस होंगे. सो मैनिक्विंस इस वक्त आई डोंट रियली थिंक इतने ज्यादा रेंज हो सकते हैं कि वो करें, शायद एक स्टेशन हो या दो हो जिसपे वो कर दें तो. लेकिन यस मे बी एग्जामिनेशन अभी उतने हाई लेवल का शायद ना ही आ सके, बट ये जरूर है कि एक आधा स्टेशन तो रखना इतना मुश्किल काम नहीं है एग्जामिनेशन के लिए. बाकी अगले एग्जाम्स में आई एम श्योर को इस चीज को ज्यादा इम्पोर्टेंस देंगे. ठीक है और बताएं मैम, 10 stations and each station for 10 minutes, right? जी. ये इंग्लिश उर्दू का क्या प्रॉब्लम हुई है? डॉक्टर टेला ने 14 stations बताए थे, 14. यार मुझे जो लास्ट पता है वो डॉक्टर तैयब ने तो 10-10 stations ही बताया, वो 10 stations 10 minutes था कि 120 minutes का वो हो जाएगा. बट आई डोंट नो अगर वो उन्होंने डॉक्टर शैला इज ऑल्सो वो तो काफी मेन सोर्स है, तो हो सकता है कि उन्होंने 14 स्टेशंस 7-7 ईच हो सकता है एक्सेप्टेबल. मुझे 10 थोड़े कम लग रहे थे 5-5 के हिसाब से. 7 स्टेशन स्ट्रोक्स नॉर्मल वाले और 7 शॉर्ट केसेस आई थिंक जरा ज्यादा बेहतर असेसमेंट हो सकती है. ने कहा था 12 होंगे या 14 या 12 13 14 होंगे, और उसमें जो है अगर ज्यादा कैंडिडेट्स हुए तो मुझे ऐसे लगता है 12 होंगे. फ्रेंकली 12 बहुत ही रीजनेबल नंबर है. जो सबसे पहले डॉक्टर तैयब ने एक बार 12 भी बताया था जिसमें से 6 स्टेशंस थे पुराने टाइप के टॉक्स के और 6 स्टेशंस थे नए जो शॉर्ट केसेस एक्सटेंडेड टॉक्स जिसको कहते हैं, तो इस तरह का था. और 10-10 मिनट्स मेरा ख्याल है इसमें ही बनेगा 120 मिनट्स का एग्जाम है ना. मैम पहले जो सर्किट चलता था ना वो इस तरह चलता था कि 7 मिनट का होता था, उसमें हर एक स्टेशन के दरमियान में एक रेस्ट स्टेशन होता था, यानी कि एक रेस्ट स्टेशन देन नेक्स्ट जिसके ऊपर जो है आप परफॉर्म. आई डोंट फ्रैंकली नोबडी नोस एट द मोमेंट के रेस्ट स्टेशंस. पहले ऐसे ही था कि पहले एक रेस्ट स्टेशन देन आपका वो इंटरेक्टिव स्टेशन होता था, देन रेस्ट स्टेशन देन इंटरेक्टिव स्टेशन, पहले ऐसे था. रेस्ट स्टेशंस बहुत जरूरी हैं, वो होंगे जरूर, क्योंकि रेस्ट स्टेशन के बगैर तो फटाफट थोड़ा सा मुश्किल होगा. बट देखो बात यह है कि CPSP की तरफ से भी चैलेंजेस हैं, उन्होंने उनको ये सर्किट चलाने हर सेंटर में एट द सेम टाइम ताकि एग्जाम वो लीक ना. दूसरा मतलब फिर जितना टाइम बढ़ाएंगे ऑब्वियसली अगर 12 स्टेशन हैं उसमें रेस्ट स्टेशन भी ऐड हो जाएं, तो फिर अब ये भी नहीं पॉसिबल ना कि एक कैंडिडेट को आप 2 घंटे के लिए तो बाउंड कर रहे हो बट आपके 4 घंटे के लिए उसे, तो वो आई थिंक काफी टायरिंग और एग्जामिनर्स के लिए भी बहुत टायरिंग हो जाएगा कि कंटिन्यूएशन में 12 में 4 आवर्स. सो ये सारे तो चैलेंजेस हैं, अभी फर्स्ट ही पता चलेगा क्या होना है. इंग्लिश उर्दू में मैम ये जैसे सिमुलेटेड पेशेंट कहते हैं पढ़े लिखे होंगे तो उनसे इंग्लिश में हमें हिस्ट्री लेनी होगी या उर्दू में? देखो बात ये है
टेक देम एज योर नॉर्मल पेशेंट्स. हमारे पास कोई अगर डॉक्टर भी पेशेंट आती है तो क्या हम उससे अंग्रेजी बोलना शुरू कर देते? आप देखो पेशेंट आपसे किस चीज में बात कर रही है. इफ शी इज टॉकिंग इन उर्दू, पेशेंट से तो आप चाहे उर्दू में हिस्ट्री ले लो, लेकिन अगर आप एग्जामिनर को कन्वे कर रहे हो तो एग्जामिनर से यू शुड टॉक इन इंग्लिश. ओके मैम, ठीक है ना? तो वो परेशानी की बात नहीं, हम ऐसे ही करते हैं. अगर हमारे पास जो पेशेंट आता है वो पंजाबी में बोलता है तो हम पंजाबी में बात करते हैं, अगर वो पश्तो में बोले तो जिस जिस उसमें जिस एरिया के आप हो, जिधर का मरीज है, अगर वो आपको लैंग्वेज आती है उसमें, वो पेशेंट कंफर्टेबल, आप उसे उसी तरह बात करते हो. अदरवाइज जो, लेकिन ये तो नहीं होता कि एग्जाम से वो पढ़ी लिखी पेशेंट आ गया तो आप अपना अंग्रेजी बोलना शुरू. अगर वो पेशेंट आपसे इंग्लिश में बात करिए, इट मीन्स कि एग्जाम का उन्होंने उसको कैंडिडेट, उसको रोल प्लेयर को बताया हुआ कि इंग्लिश में बात करो, तो वो फिर वो और बात है. देखो दो चीजें, किसी ने कहा मैटर्नल रिससिटेशन साथ साथ परफॉर्म करनी होगी या बोलना होगा या क्या है. अगर जब स्किल्स होते हैं उसमें साथ बोलना है या नहीं, नॉर्मली स्किल में यू जस्ट नीड टू परफॉर्म. अगर वो आपको कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल के बी लिंच अप्लाई करना है तो आप उसका सिर्फ परफॉर्मेंस करते हो. लेकिन इसी तरह मैटर्नल रिससिटेशन, पर अब वहां पर ये होता है कि एक मिनट में इतने चेस्ट कंप्रेशन और इतने ब्रेथ्स, तो अब क्या एक मिनट तक आप उसके चेस्ट कंप्रेशन ही करते रहोगे डमी की, मैनिक्विन की या क्या? तो यू कैन से कि दिस इज द वे के चेस्ट, वे बोलने की जरूरत नहीं है कि 90 डिग्रीज में चेस्ट के ऊपर आऊंगी और फिर इस लेवल पे मैं इस तरह की कंप्रेशन करूंगी. यू विल परफॉर्म इट, बट देन यू कैन से कि इतने इतने इस टू का रेशियो है इन वन मिनट विद चेस्ट कंप्रेशन वर्सेस ब्रेथ. और लेकिन ये नहीं बोलोगे कि परफॉर्म किया, वो तो आप परफॉर्म करके दिखा ही रहे. सो स्किल्स डेमो के अंदर परफॉर्मेंस इज अ मेन थिंग. बोलने की जरूरत जहां लगे सिर्फ वहां बोल लें, अगर साथ साथ ही बोलते रहो तो आप परफॉर्म ठीक नहीं करते हो एक्चुअली. सो इस वजह से पहले जो टॉक स्टेशन होते थे उसमें हमें स्किल डेमो के साथ बोलना बहुत पड़ता था. उसकी वजह ये होती थी कि टाइम बहुत कम होता था. ब्लैडर रिपेयर है तो उसमें टाइम बड़ा कम होता था कि आप उन्हें बताओ कि आप एक्स्ट्रा म्यूकोज ले रहे हो पहली लेयर या आप फिर उसके बाद सिरोजा और उसके क्या ले रहे हो, मस्क्लेरस ले रहे हो सेकेंड लेयर में. लेकिन अब अगर टाइम है तो आप प्रॉपर परफॉर्म करके दिखा रहे हो. सो बेसिकली परफॉर्मेंस में अगर जब आप परफॉर्म कर रहे हो तो यू परफॉर्म बेटर व्हेन यू डोंट टॉक. टॉक वहां करो जहां आपको लगे कि अब ये तो ज्यादा ही प्रोलॉन्ग हो जा रहा है, तो चलो फिर उसमें आप कह सकते हो कि दिस वे इस तरीके से होगा. बट बेसिकली परफॉर्मेंस इज द मेन थिंग. मैम, जो हम लोगों ने रोल पेड से फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री लेनी है और उसके बाद हिस्ट्री लेने के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर 10 मिनट का स्टेशन है तो हम 3 मिनट 4 मिनट में हिस्ट्री लेने के बाद एग्जामिनेंट से कहेंगे ना कि हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड कर दे और फिजिकल एग्जामिनेशन की सारी फाइंडिंग दे, ताकि हम और जो ट्रीटमेंट है फिर हम रोल प्लेट से दोबारा डिस्कस करेंगे या हम एग्जामिनर को बताएंगे कि हम ये ट्रीट कर रहे हैं इस तरह का. देखो नहीं, उसके अंदर लिखा होगा. अगर तो वो रोल प्लेयर के साथ का स्टेशन है और आपने उस पेशेंट को मैनेज करना है तो उन्होंने लिखा होगा कि मिसेज एक्स वाई जी इज हियर विद दिस प्रॉब्लम, उसकी ये दो चार इन्वेस्टिगेशंस हैं और नाउ मैनेज हर. अब वो मरीज आपका है और आपने उसकी हिस्ट्री ले ली, यू कैन नॉट एग्जामिन हर. उसकी कोई ना कोई फाइंडिंग्स उन्होंने दी होंगी या फिर आप बोल दो कि उसकी मैं फोकस बोलूंगी. आई थिंक व्हेन द रोल प्लेयर इज देयर और आप उससे सवाल पूछो हिस्ट्री के, तो एग्जामिनर को वही हिस्ट्री बताना पूरा कि वो नहीं होता. उसके बाद जब आप उसकी इन्वेस्टिगेशन उन्होंने दी होंगी आप वो एग्जामिनर से पूछ सकते हो. और मैनेजमेंट जो है वो एग्जामिनर के साथ ही डिस्कस होगी. अगर वो कोई काउंसलिंग स्टेशन है तो फिर उसमें लिखा होगा कि काउंसिल हर रिगार्डिंग मैनेजमेंट, तो फिर आप एग्जामिनर कैंडिडेट, जो कि मेरा नहीं ख्याल, अभी मेरा ख्याल है कि ज्यादा ऐसी मैनेजमेंट होगी कि जैसे हम पहले किया करते थे अपने लॉन्ग केसेस में कि हम फिर एग्जामिनर के साथ ही वो मैनेजमेंट डिस्कस करते थे. ओके थैंक यू मैम. ठीक है और बताओ जेनेटिक काउंसलिंग पॉइंट्स. यार आप बताओ जेनेटिक का कोई बताए BRCA1 और 2 के जेनेटिक काउंसलिंग. इसके अंदर देखो दो तीन चीजें, जहां भी आप रिस्क फॉर मेलिग्नेंसी बता रहे हो यू शुड बी वेरी गुड इन योर इंसिडेंसेस.
आपको पता हो कि बीआरसी वन एंड टू एंड बोथ पॉजिटिव में कितना इंसिडेंस है सीए ब्रेस्ट सीए ओवरी का और फैमिली हिस्ट्री का। अगर आप ये बात नहीं बोलोगे ना कि कितना इंसिडेंस कितना सीए का है, तो वो काउंसलिंग फिर बिल्कुल ही इनकम्प्लीट है वो उस काउंसलिंग। सो जब आप किसी की रिस्क फैक्टर की बात कर रहे हो या मेलिग्नेंसी की बात कर रहे हो, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है इंसिडेंसेस। उसमें इंसिडेंसेस का रेफरेंस देना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली मेन पॉइंट एंड देन व्हाट यू आर गोइंग टू डू इफ शी इज बोथ पॉजिटिव एंड देयर आर लाइक सच अ हाई रिस्क फॉर सीए ओवरी एंड सीए ब्रेस्ट, तो आप उसको क्या पॉसिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट ऑफर कर सकते हो। नंबर वन, आप उसको या तो स्क्रीनिंग कहोगे मोर फ्रीक्वेंटली या फिर आप उसको डायरेक्ट क्लियरेंस सर्जरीज कह दोगे या क्या। सो उसका रिस्क फैक्टर निकाल के फिर, सो एक चीज ये कि कितने परसेंट हाई रिस्क है उसके लिए, दूसरा ये कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, तीसरा ये कि उसकी किस तरीके से प्रिवेंशन हो सकती है सीए की। If it's examiner, the history has to be ठीक है, ठीक है। तो वो इस तरीके से सवाल आप लोग बेशक बोल के पूछ लो, लिख के जो पूछ रहे हो, ठीक है। और बताओ। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रुबा। वालेकुम सलाम। अच्छा मैडम, काइंडली मुझे बताइए ना कि जो सब फर्टिलिटी की स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन है ना फीमेल पार्टनर में, तो वो जो उसका जो बेसिक हार्मोनल प्रोफाइल है FSH, LH, सीरम प्रोलैक्टिन, TSH, ये हम सब में करेंगे अगर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर भी है तो भी करोगे। उसकी वजह ये है, उसमें तो आप फिर डे 21 प्रोजेस्टेरॉन भी बन करोगे क्योंकि less than 10%, but yes, there are women with the regular cycles जो anovulatory हो सकती हैं। Regular cycle doesn't mean 100% ovulation. So उस वजह से मैम 15% anovulation होती, मैम 15% मैम anovulation होती है। पहले 10% का करते थे, अब 15 हो चुकी है, अच्छा incidence भी आ गया। So it's nearly that. So anovulation can occur even in regular cycles. लीटर तो हमें दोनों मतलब रखनी पड़ेंगी, ये दोनों पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। आप वहां पर इस तरह की इन्वेस्टिगेशन की लैब की नॉर्मल रेंज भी मांग सकते हो, बट जरूरत वो लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा कुछ भी पता होना चाहिए। जब वो जिस तरह भी आपने वैल्यूज बोली है बड़ी अच्छी, उसने रेंज याद की हुई है, तो ये दो रेंजेस जरूर याद कर लो क्योंकि थोड़ा सा एग्जामिनर फ्रेंड हो जाते हैं। देखो TSH की नॉर्मल रेंज मांगोगे वो उस पर शायद माइंड ना करें बिकॉज थायरॉयड फिजिशियन का ज्यादा शायद है या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट का। AMH, FSH, LH ये चीजें हमारी से रिलेटेड है। टेस्टोस्टेरोन इसकी नॉर्मल रेंजेस हमें खुद ही बतानी चाहिए। प्रोलैक्टिन तो AMH कितनी नॉर्मल होती है सर से मैंने एक दफा पूछा था तो सर कह रहे थे 1 से लेस नहीं होनी चाहिए। इज दैट फॉर यही एक इंडिकेशन है बिल्कुल प्रैक्टिकली। तो कितनी अच्छी सर ने वैसे आपको निशानी बताई है, 1 से नीचे जो वैल्यू वो बोल रहे हैं उसके अंदर देखो 0.09, 0.07, या इवन 0.1, 0.8, 0.8 सॉरी, ये बहुत इसके अंदर आप पेशेंट को वेट नहीं करा सकते साल हर साल। ये बड़ी अच्छी वैसे आप की है आप दाने जो सर ने बोला कि यस लेस देन 1 पे सॉरी सर सॉरी मैम सर ने कहा था 0 नहीं होनी चाहिए, 0 से ज्यादा। देखो 0 से ज्यादा वो है लेकिन एक मैं आपको निशानी मैडम 1 से ज्यादा होनी चाहिए। 0.9, 0.8, all these show patient doesn't have much time, lesser results for show, or 0.0 something, like 0.08, 0.09, 0.04, ये तो बहुत ही कम। इस पे तो फिर आप सोच में पड़ जाते हो कि इसको या तो डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब के लिए भेज दो IVF के लिए या फिर इसके एग भी बनेंगे या नहीं, लेकिन 1 से ऊपर स्कोर। तो आप एक निशानी याद रख सकते हो कि 1 से कम जो है ना वो ऐसा है कि बस फिर जल्दी मतलब पेशेंट का रिजर्व काफी कम हो चुका है और उसके पास उसको नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर शी शुड गेट प्रेग्नेंट।
अच्छा मैम, दूसरा एक मुझे ये बताइएगा कि जैसे आपने बताया है कि एग्जाम में एक सिनेरियो दिया हुआ होगा, उसमें रेलेवेंट कोई इन्वेस्टिगेशन या एग्जामिनेशन फाइंडिंग्स दी हो सकती हैं। समटाइम्स जैसे जो गिवन सिनेरियो होता है तो उसमें अगर हमें फर्दर मतलब किसी तरफ प्रोसीड करना हो तो फर्दर हमें चाहिए होगा कि इन्वेस्टिगेशन हमें ये भी है वो जैसे हम लॉन्ग केस में कहा करते थे कि माय फर्दर इन्वेस्टिगेशंस डिपेंड ऑन माय फर्दर मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टिगेशंस या मोर आई वुड लाइक टू हैव मोर इन्वेस्टिगेशंस आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस इन्वेस्टिगेशंस, मतलब आप मांग कह सकते हो। जी बस मैं यही पूछना चाह रही थी। जैसे लॉन्ग केस में बोलते थे कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अच्छा मैम मुझे बताइए कि जो जैसे लॉन्ग केस में हम मैनेजमेंट के सारे स्टेप्स बोलते हैं तो यहाँ पे भी हम पूरे पूरे स्टेप्स बोलेंगे, स्टेजिंग लेबोरेटरी बताएंगे सारा कुछ? देखो उसके अंदर एक काम करना भी नहीं पाई। अच्छा सवाल है कि मैनेजमेंट कैसे पूरी करेंगे उस टाइम में। देखो उसके अंदर यू आप कर सकते हो कि जिस तरह मैंने शायद पहले अपनी क्लासेस में कुछ बताती रही हूँ, आप लोग काफी लोगों ने चीज को अडॉप्ट भी किया कि आप करोगे जैसे पहले बेशक एम ऑफ मैनेजमेंट बोल दो जिसमें सारे बेसिकली एक पूरा सुपरफिशियल सा एक प्लान बता दो कि मेरा एम है, आई वुड लाइक टू काउंसिल। काउंसिलिंग तो फटाफट दो लाइनों में बोल ही दो कि ये काउंसिलिंग करूंगी, उसके बाद एडमिट करूंगी या नहीं करूंगी, मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व करूंगी या नहीं करूंगी, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर प्रेग्नेंट पेशेंट का है तो डेक्सा कवर दूंगी या नहीं दूंगी, फीटल मॉनिटरिंग करूंगी, मैटरनल मॉनिटरिंग करूंगी एंड विल लाइक टू टेक हर टू एज मच एज पॉसिबल। बेसिकली ये एम बता के उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एम बोलोगे कि काउंसलिंग की एडमिट किया तो क्यों किया एडमिट, किसका बीपी ज्यादा था या जो भी था, और फिर फर्दर उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग फीटल और मेटरनल मॉनिटरिंग की जहाँ बात करती तो वहाँ फीटल फीटस की मॉनिटरिंग और फिर मेटरनल मॉनिटरिंग के लिए क्या करोगे और मल्टी डिसिप्लिनरी टीम और अगर कोई और यूटीआई या कोई और चीज है वो कैसे ट्रीट करोगे एंड देन हाउ आर यू टेक टर्म मींस व्हाट टू यू एग्जैक्टली यू शुड नो आइदर द डेट ऑफ डेट जिस पे आप उसको बुला रहे हो फर्दर डिलीवरी और यू शुड नो द जेस्टेशन जिस पे आप बुला रहे हो। तो ये आप एक रफ सा पहले एक 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 एम एक नक्शा सा पूरा बता दोगे कि दिस इज द एम, उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट एम को फिर आप डिटेल में बोलोगे तो उससे चीजें मिस भी नहीं होंगी, कवर इस तरह से हो जाएंगी कि चलो आपने पहले एम में एटलीस्ट कुछ तो बता ही दिया ना कि आप क्या क्या करने वाले हो, अब फिर आप उसकी डिटेल्स बोलोगे, उससे भी एग्जामिनर को अंदाजा हो जाता है कि यू नो एग्जैक्टली इन योर माइंड कि आपने एंड यू आर नॉट मिसिंग आउट एनीथिंग इन हर मैनेजमेंट। सिमिलरली गायनी के पेशेंट में इसी तरह एक एम बना लो कि एडमिट किया या नहीं किया, काउंसलिंग क्या करनी है, प्रोबेबल गायनी में तो वी नो द डायग्नोसिस बिफोर वी स्टार्ट ऑफ विद द मैनेजमेंट सो वी काउंसल अकॉर्डिंगली एंड देन इफ यू नीड टू डू द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इन्वॉल्व द मल्टीडिसिप्लिनरी टीम एंड देन इफ एनी अदर प्रॉब्लम लाइक एनीमिया और यूटीआई और लिवर प्रॉब्लम और हेपेटाइटिस पॉजिटिव वो साथ सॉल्व करो एंड देन व्हाट आर यू एक्चुअली गोइंग टू डू विद द पेशेंट, इज इट सर्जरी और इज इट मेडिकल मैनेजमेंट एंड व्हाट विल द फॉलो अप। एम बता के उसके बाद आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम बोल दो, यानी कि डिटेल प्लान दैट मैनेजमेंट। सो अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करो ऑप्स और गाइनी में तो आप यू विल नॉट मिस एनीथिंग, और उससे ये भी है कि अगर आप एक दफा एम पूरा बता चुके हो तो इट मींस एग्जामिनर को समझ आ गई है कि आपने करना क्या, यू नो व्हाट आर यू गोइंग टू डू योर पेशेंट, फिर आप उसकी डिटेल्स बोलना शुरू करते हो तो उसमें कवर भी चीजें हो जाती हैं सारी, एक पैटर्न से चल रहे होते हैं इसलिए, और साथ में ये आसानी हो जाती है कि आपका एग्जाम में तो पता चल जाता है अगर टाइम पूरा ना भी हो रहा हो। थैंक यू मैम। ठीक है तो फॉलो दिस पैटर्न। मैम वालेकुम सलाम जी। मैम डायबिटीज में इंसुलिन का बता दें कैसे डोज कैलकुलेट करते हैं और कैसे शुरू कराते हैं, एक दफा रिवाइज करा दें। बताओ कोई और पता है, आज मैंने नहीं कुछ बताना, आज आप लोग बताओगे। डायबिटीज में कैसे करते हैं, बड़ा आसान तरीका है, बताओ आप। जी आप शायद बताने लगेगी। जी जी मैम मैं बता देती हूँ मैम, इंसुलिन की डोजेज हमने जब भी काउंट करनी है हमने देखना है कि पेशेंट फर्स्ट टाइम हमारे पास प्रेजेंट किया है या पहले से वो इंसुलिन ले रहा है। अगर तो वो फर्स्ट टाइम हमारे पास प्रेजेंट किया है डेफिनेटली हम स्टार्ट कब करते हैं ये पहले क्राइटेरिया देखना है।
अगर उसकी फास्टिंग जो है वो 7 मिलीमोल यानी कि वो 100 से ज्यादा 126 से ज्यादा है और या फिर उसको कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हुई है तो तब हमें स्टार्ट करनी है। उसकी हमारे पास चार रेजीम्स होती हैं, वो होती है बेसिक बोलस रेजीम, बाइसेजिक रेजीम, कैरल जे और स्लाइडिंग स्केल। जो हम नॉर्मली ओपीडी में फॉलो करते हैं वो होती है बेसिक बोलस रेजीम, जिसमें हम पेशेंट का वेट काउंट करते हैं, वेट को हम 2 से डिवाइड करते हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आ जाते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर 88 है तो हम 2 से डिवाइड करके 40 आ जाता है आंसर, तो हम उसको 4 डोजेस में डिवाइड करते हैं, जिसमें हम 3 रेगुलर और 1 एनपीएच देते हैं। 3 रेगुलर यूनिट्स हम जैसे 10-10 सुबह दोपहर शाम दे देंगे और जो एनपीएच है वो हम रात को दे देंगे। जो रेगुलर होती है वो हमारे पास पोस्ट पैनगेट लेवल्स को कंट्रोल करी होती है और जो एनपीएच होती है वो फास्टिंग को कंट्रोल करी होती है। हम उसको अकॉर्डिंगली टॉलरेट वो टाइट्रेट कर सकते हैं। अगर पेशेंट पहले से ले रहा है फॉर एग्जाम्पल 8 यूनिट्स ले रहा है और फिर हम उसकी मॉनिटरिंग करेंगे 24 आवर्स के लिए, उसको स्लाइडिंग स्केल पे एडजस्ट करेंगे, जहां पे हमें लगेगा फॉर एग्जाम्पल पोस्ट प्रेंडियल लेवल ज्यादा आ रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग एडजस्ट कर देंगे। 2 यूनिट्स ऐड करते हैं मोस्टली, 4 यूनिट्स ऐड करते हैं अगर 150 से 200 के दरमियान हो, फिर आगे 2 यूनिट्स ऐड करते रहते हैं हर 50 mg/dL के लिए। इस तरह भी हम कर सकते हैं, फिर हम उस रेजीम को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज हम बेसिक बोलस रेजीम को फॉलो करते हैं। दूसरी होती है बाइफेजिक रेजीम, जिसके अंदर हम लोग दो तरह से डिवाइड करते हैं, 2/3 और 1/3। जो 2/3 मॉर्निंग में हम देते हैं ना, उसके अंदर 2/3 रेगुलर है और 1/3 होती है एनपीएच, और जो रात की 1/3 होती है उसमें हाफ एनपीएच और हाफ रेगुलर होती है, फिर हम अकॉर्डिंगली उसके डोज को मॉनिटर करते हैं। तीसरी होती है कैरल जी, जिसमें हम कहते हैं टर्मिस्टर वाइज, जैसे फर्स्ट टर्मिस्टर में 0.7 से मल्टीप्लाई करते हैं और पेशेंट के वेट को, और सेकंड टर्मिस्टर में 0.8 से, और थर्ड में 0.9, और जैसे कह रहे 38+6 में हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं वेट को और फिर यूनिट्स को डिवाइड कर लेते हैं रेगुलर एनपीएच के अंदर। तीसरी होती है स्लाइडिंग स्केल, जो मैंने पहले बता दिया कि मैम 150 से 200 के दरमियान हम लोग 4 यूनिट्स और उसके 50 mg/dL के लिए 2 यूनिट्स ऐड करते रहते हैं, और डिपेंड करते हैं पेशेंट का बीएमआई क्या है। अगर पेशेंट का बीएमआई कम है, हमें लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ओबीज नहीं है, तो हम इंसुलिन पे उसको ट्रीट कर सकते हैं। अगर पेशेंट का बीएमआई बहुत ज्यादा है तो फिर हम साथ में मेटफॉर्मिन भी ऐड कर सकते हैं टू कंट्रोल द पोस्ट प्रांडियल लेवल्स। मैम मुझे तो यही पता है। चलो वेरी गुड, स्लाइडिंग में बता दिया। एक मैं बताती हूँ, परेशान नहीं होना, ये सारी बातें सुन के नाइस को रट्टा मारने की जरूरत है। आप ने माशाल्लाह बहुत अच्छा किया हुआ है, अच्छी बात है। इस टाइम पे अगर पर्सनल एग्जाम है प्लीज इन चीजों से कंफ्यूज ना, अगर आपको ये बातें नहीं पता, इन बातों के पता होने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अच्छी बात है आपदा को पता है, बेशक वहां पर बोले अगर टाइम हुआ, लेकिन आपने वहां पर एक चीज पकड़नी है। देखो वहां होगा क्या, वहां आपको वो लेवल्स ऑफ शुगर लेवल्स के चार्ट्स आपको दे देंगे, आपके सामने वो चार्ट्स रख देंगे, फास्टिंग पोस्ट प्रेंडियल और वो सारे, ठीक है, वो आपके सामने पड़े होंगे और वो कहेंगे कि ये इंसुलिन वो ले रही है। जैसे आप मैंने बड़ा अच्छा जवाब स्टार्ट किया कि पहले तो ये देखना है कि क्या उसको हमने अभी स्टार्ट करानी है इंसुलिन या वो पहले से इंसुलिन पे। अगर तो वो पहले से इंसुलिन के ऊपर है और आपके सामने एक ब्लड शुगर मॉनिटरिंग चार्ट रखा है, मेरी बातें प्लीज गौर से सुनो। अगर आपदा वाली बातें आपको नहीं ज्यादा डिटेल पता, ना पता होने की जरूरत है, यू डोंट नीड टू नो ऑल दैट, यू जस्ट नीड टू नो हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज योर पेशेंट करेक्टली, वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको वो वाली बात समझ आ जाएगी तो दैट विल बी वेरी मच इनफ फॉर यू। आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप बैठ के ये रेजीम्स और ये चीजें और फॉर्मूले याद करो। बात अच्छी है अगर आपदा को याद है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है, बट ये उसको ही ठीक है। आप लोग जिसको नहीं आता इस चीज की टेंशन नहीं, इसलिए बार बार कह रही हूँ। आपके सामने वो चार्ट रखेंगे, अगर कोई पेशेंट पहले ही इंसुलिन के ऊपर है एंड यू लुकिंग एट दैट ब्लड शुगर लेवल चार्ट, आपने देखा कि उसके बाकी लेवल्स तो सारे 140 से कम है, व्हाटएवर आपका ब्लड शुगर टारगेट जो है वो टारगेट अचीव हो रहा है, बट एक लेवल उसका 200 से ऊपर आ रहा है, मेबी दोपहर का, शी इज टेकिंग इंसुलिन, तो आपने फौरन से इंसुलिन ही बढ़ा देनी। आपने ये कहना है कि आई वुड लाइक टू नो एग्जैक्टली कि उस टाइम पे पेशेंट ने क्या खाती है, वो लाइक हर लेवल दोपहर का ज्यादा आ रहा है या एक लेवल ज्यादा आ गया, तो आई वुड लाइक क्या पता उस टाइम पे वो राइस खाती हो, क्या पता उस टाइम पे उसकी रूटीन हो कि वो मैंगो खाती हो, क्या पता समथिंग जो कि उसे नहीं खाना चाहिए। सो सबसे पहले डाइट, एक्सरसाइज यस कर रही है, पहले कर रही थी अब नहीं कर रही, कि अब शुगर क्यों खराब हो रही है ज्यादा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ओरल हाइपोग्लाइसीमिक क्या ले रही है,
और फिर इंसुलिन। अगर सारा कुछ ठीक है और इंसुलिन के लेने के बावजूद उसके लेवल्स ठीक नहीं है, एंड इफ यू डोंट नो एग्जैक्टली द फॉर्मूला जो के बताया आपदा ने, एंड शी इज ऑलरेडी ऑन इंसुलिन, और आपके पास मॉनिटरिंग चार्ट सामने रखे जिसपे नहीं है वो सेट ठीक उसके लेवल्स, तो नॉर्मली ये होता है इंसुलिन का पेशेंट ले रही है उसमें 20% बढ़ा दो फॉर द नेक्स्ट डे। ये एक डॉक्टर सब्जेक्टिवली भी बढ़ा सकता है, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू आल्सो डू इन योर वार्ड्स। जब आप लोग राउंड कर रहे हो या आपका ऐसा राउंड कर रहे हैं या कोई आपसे एपी वगैरह राउंड कर रहे हैं और उनके सामने चार्ट रखा जाता है, दिस इज अ मॉनिटरिंग चार्ट, इसकी ये लेवल्स नहीं है, इसकी टेकिंग इंसुलिन, मे बी वो कहते हैं 10 यूनिट्स टीडीएस ले रही थी रेगुलर और एनपीएच रात को ये ले रही थी 6 यूनिट्स, बट अभी भी नहीं है, तो 10 से वो लेवल्स के मुताबिक कह देते हैं कि ओके 14 यूनिट्स टीडीएस कर दो और 8 यूनिट या 10 यूनिट एनपीएच कर दो। ऐसे ही होता है, आई एम श्योर ऐसे ही होता है, इट्स नॉट लाइक कि वो कहते हैं कि पता नहीं कौन सा क्राइटेरिया बड़े अच्छे आपदा ने, बट ये अच्छी बात है, बट अगर नहीं भी पता तो यू ऑल नीड टू नो एग्जैक्टली यस कि आप इस तरीके से जवाब दे सकते हो व्हाटएवर यू आर एक्चुअली डूइंग इन द वार्ड व्हिच इज करेक्ट एज वेल, जो कि रिकमेंडेड है और करेक्ट है। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये कि पेशेंट आई है, इंसुलिन आपने अब स्टार्ट करनी है, यू हैव इंक्वायर्ड अबाउट हर डाइट, हर एक्सरसाइज, हर रूटीन, हर ओरल हैबिट, ऑफकोर्स हमने तो पहले डाइट से बात शुरू करनी है ना, इंसुलिन पे तो नहीं बात कर देनी डायरेक्टली, तो आपने वो सारी बात कर लिया, एंड नाउ इज द मोमेंट कि यू हैव टू डिसाइड कि आपने इंसुलिन क्या स्टार्ट करनी है, एंड यू डोंट नो ऑल दैट दो वेरी गुड थिंग्स जो आपने बताई, यू डोंट नीड टू नो एट दिस टाइम। अब आज एक दो रातें जो रह गई हैं उसमें इस चीज की टेंशन लेके टाइम वेस्ट करो कि जरूरत ही नहीं है। आपने क्या करना है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, आखिरी फॉर्मूला जो आपदा ने बोला है, वहां पर टाइम नहीं होता कि आप स्लाइडिंग स्केल में पता नहीं डिवाइडेड बाय क्या करो तो मल्टीप्लाई बाय क्या करो, और आप वहां पे आपने इंसुलिन का लेवल बोला, वहां पे आप देखो सबसे फनी चीज जो लगती है ना, हैव यू एवर सीन योर कंसल्टेंट और योर प्रोफेसर डूइंग अ राउंड इन द वार्ड एंड होल्डिंग अ पेन एंड अ पेपर एंड डूइंग कैलकुलेशंस, इतने मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू दिस, वो तो एक लेवल है, वो कहते हैं ये लेवल, वो लेवल ठीक होता है कैसे मैं बताता हूँ। इंसुलिन का जो आखिरी फॉर्मूला बोला आपदा ने, 0.7 मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ द पेशेंट, 0.8 मल्टीप्लाई बाय वेट, 0.9 मल्टीप्लाई बाय वेट। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 0.7 मल्टीप्लाई बाय वेट, 70 kg की खातून है तो 0.7 मल्टीप्लाई बाय वेट, सेकंड ट्राइमेस्टर में 0.8 मल्टीप्लाई बाय वेट, थर्ड में 0.9 वहां पे 60-70% चांस है कि पेशेंट आपके पास थर्ड ट्राइमेस्टर का होगा 28-32 weeks, जहां पे डिसीजन मेकिंग मैटर कर रही होती है ना, बिफोर 28 weeks डिसीजन मेकिंग इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। सो थर्ड ट्राइमेस्टर में 0.9 मल्टीप्लाई बाय 70 का क्या मतलब है, ऑलमोस्ट 70, राइट? 0.9 को अगर आप 70 से मल्टीप्लाई करो तो 0.9 इज नियरली 1, तो इट इज 70। 70 यूनिट्स को आप डिवाइड करो, 2/3 आप उसके रेगुलर किट कर दो, 1/3 नॉर्मली एनपीएच आप बहुत हाई डोज से शुरू नहीं करते, रफली दिमाग में इसको आप 4 से डिवाइड कर लो या 3 से डिवाइड कर लो, और आप उस पेशेंट के शुगर लेवल्स भी देख लो, ऐसा ना हो कि उसका 0.9 मल्टीप्लाई बाय 70 करके रफली 70 यूनिट या 65 यूनिट उसको डिवाइड तो करके देने लगे हो, जो कि मे बी 15 और 16 यूनिट बन जाएंगे, लेकिन उसकी तो शुगर लेवल्स ही बहुत ज्यादा, उसकी 250 से ज्यादा तो है ही नहीं, यू मे नीड, आपको अच्छा 15-16 नहीं, लेट स्टार्ट ऑफ विद 12 यूनिट्स टीडीएस एंड स्टार्ट ऑफ विद 8 यूनिट एट एनपीएच एट नाइट, ठीक है? वेरी गुड आंसर। जो आप लोग वार्ड में कर रहे हो प्लीज वही करो, पेन और पेपर पकड़ के मल्टीप्लाई डिवाइड, इसकी आयरन की ये मैं भाई नहीं, जब आयरन की डोज है वो लंबा चौड़ा फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए, 8 HPS के विनोफर के कितने एम्पियर लगेंगे, तो कितने अरसे में क्या है करा लेना, 3 doses है वो अल्टरनेट डोज पे, बस उसकी ये एक एम्प्यूल में जो इतने मिलीग्राम है तो वहां नहीं था, वहां पे देखो थ्योरी का तो अध्याय होता है। हाँ, अगर शॉर्ट स्टेशन आ जाए वो और बात है कि जो हो बात ही सिर्फ फॉर्मूले की वो और बात है, लेकिन आई डोंट रियली थिंक इस टाइम पे सुनते आएगी, वो आपको एक एग्जाम में कर रहे हो वो इंसुलिन यूज करो, जो एग्जाम में यूज करो अगर आप रेगुलर एनपीएस करते हो वो करो, अगर आप नोवारेपिड और लेविमर यूज कर रहे हो तो वो करो, वो बहुत अच्छी इंसुलिन। सो जिस तरीके से भी आप कर सकते हो वो कर रहे हो, प्लीज कीप डूइंग दैट, एंड इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट एंड अ रिकमेंडेड थिंग व्हाटएवर यू आर डूइंग।
मैंने ये बताया कि रात की जो इंसुलिन होती है ना, नो डाउट आप उसको डिवाइडेड बाय 3 कर दो, वो 3 डोजेस में करके रेगुलर की, और एनपीएच नॉर्मली यू डोंट स्टार्ट विद अ वेरी हाई डोज. रात को जब आप इंसुलिन देते हो एनपीएच को आप 6 या 8 या 10 यूनिट के हिसाब से करते हो, वो एकदम से बहुत हाई यूनिट नहीं आप स्टार्ट कर देते, मोस्टली आप रेगुलर 3 में उसको डिवाइड करके 3 टाइम्स में, और एनपीएच एक आप कंपैरेटिवली लेसर डोज से स्टार्ट. इस तरीके से सो बहुत ज्यादा आपको वहां पर nobody really wants to listen to all these things. They just want that you are managing your patient correctly. अच्छी बात है आपने अच्छे सारे फॉर्मूला बताया, लेकिन वहां पर किसी ने चांस ज्यादा ये कि सुनना नहीं है. उन्होंने कहना हमें यूनिट बताओ, ये आपके पास मॉनिटरिंग चार्ट सामने पड़ा हुआ है, हियर इज अ मॉनिटरिंग चार्ट. अब इस पेशेंट के ऊपर आपने अपने वार्ड का आप राउंड कर रहे हो और आपने अपने राउंड में लिख के जाना है. राउंड में आपके पास एक बेड के ऊपर कोई 20 मिनट नहीं होते कि आप कैलकुलेशंस करो, आपने वहां पे खड़े खड़े लिख के जाना है कि आपने कितने इंसुलिन उसकी बढ़ानी है और क्या करना है. तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, रिलैक्स. आप कर क्या रहे हो, आप उसको एक फॉर्मूला माइंड में. सबसे इजी कैरल जे इसलिए क्योंकि आप लोग को वर्ड में फॉलो करते हो. नंबर टू ये कि उसमें कैलकुलेशन बहुत आसान है. हाँ, अगर डेक्सा कवर देने लगे, डेक्सा कवर के अंदर अगर पेशेंट इज नॉट ऑन इंसुलिन बिफोर डेक्सा कवर और अब उसकी शुगर ज्यादा इतनी है कि आपको लगता है इंसुलिन की जरूरत है, आफ्टर डाइट नेवर टॉक अबाउट इंसुलिन. जब भी इंसुलिन की बात है सबसे पहले बात करो कि मुझे डाइट देखनी है, मुझे उसका एक्सरसाइज का पैटर्न देखना है, हाइपोग्लाइसीमिया हाइपो ये एजेंट जो तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स का देखना है, और फिर इंसुलिन की बात हो. अगर डेक्सा देने लगे और पेशेंट इज नॉट ऑलरेडी टेकिंग इंसुलिन और अब उसके इतनी ज्यादा शुगर है कि डिस्पाइट ओरल हाइपोग्लाइसीमिक्स एंड ऑल उसकी शुगर ज्यादा है डेक्सा में देना है, तो फिर आप स्लाइडिंग स्केल पे फॉर द 72 आवर्स. अगर वो ऑलरेडी इंसुलिन के ऊपर है और अब डेक्सा कवर दे रहे हो तो उसकी वही फिक्स्ड यूनिट्स में 20% ऐड कर दो फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स. अगले 3 दिनों के लिए वही फिक्स्ड यूनिट्स में आप ऐड कर लो. मैम जो डेक्सा कवर देती है उसमें ये तो हम लोग 22 यूनिट्स मोस्टली 20% ऐड करनी पड़ती है ना, 48 to 72 hours. यस 72 hours ही बोल दो. किसी ने कहा मॉक एग्जाम कर लें तो कर लेते हैं जरूर, अभी 15 मिनट और. मैम लेकिन हम अमूमन तो स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंगली देते होते हैं जो हमारी फिक्स डोजेस चल रही है. लेकिन अगर पहले फिक्स डोजेस है उसके ऊपर स्लाइडिंग स्केल कैसे अप्लाई करोगे? इंसुलिन भी ले रही है, कोई फिक्स डोज ले रही है ऑलरेडी, देन अगर हमने उसको स्टेरॉइड के लिए एडमिट किया है तो हम लोग उस फिक्स डोज के साथ जो है वो एक्स्ट्रा स्लाइडिंग स्केल ऐड कर देते. जैसे अगर वो सपोज 6 यूनिट्स TDS में ले रही है RK, ठीक है, वो हम लेते रहेंगे और उसके बाद हम 4-4 hourly शुगर करके स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंगली जो है वो ये भी बड़ा अच्छा तरीका है. एक्चुअली ये भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप एंड पे रियलाइज करोगे कि वो तकरीबन 20% राइज ऑफ द फिक्स्ड यूनिट्स ही बन जाता है, तो वही आप फिक्स्ड यूनिट्स में भी राइज कर सकते हो इंस्टेड क्या 4 hourly चेक कर करके दो. बट दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. इसी तरह की बात से ये भी पता चला कि जहाँ फंस जाओ सिर्फ ये सोचो कि आपके वार्ड में आपके हॉस्पिटल में होता क्या, वो बिल्कुल ठीक हो रहा है और वो बिल्कुल रिकमेंडेड गाइडलाइंस और बड़ी सही चीज हो रही है, तो आप वो जवाब दे दो जो आप ट्रेनिंग में करते आए हो और जो आपके वार्ड में हो रहा है प्रैक्टिस. मैम ये रिपीट कर देना क्या कहा है. अगर एक पेशेंट मेटफॉर्मिन ले रही है या फिक्स डोजेज ऑफ इंसुलिन ले रही है, चाहे वो एनपीएच ले रही है या फिर आर ले रही है, हमने वो सारे फिक्स लिख दे रहे हैं चार्ट के ऊपर, देन हमने शुगर 4 hourly कर देनी है स्टीरॉयड लगाने के बाद, एंड देन जो भी अगर उसकी उस रेंज से बाहर जाएगी शुगर तो फिक्स डोजेस तो चलती रहेंगी, साथ पे हम स्लाइडिंग स्केल के अकॉर्डिंगली एक्स्ट्रा इंसुलिन दे देंगे उसको.
ठीक है, और ये 48 आवर्स के लिए हम करते होते हैं सेकेंड डोज के, सेकेंड डोज लगने के 24 आवर्स तक हम करते होते हैं 4 आरटी। ये कर लो, ये भी ठीक है, ये फिक्स यूनिट्स में 20% ऐड कर दो कि अगर कोई 6 यूनिट सीडीएस ले रही है उसको आप 10 यूनिट सीडीएस भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल्स, या 8 यूनिट्स भी कर सकते हो। बट सिद्रा वाला तरीका, दोनों तरीके बिल्कुल ठीक है और रिकमेंडेड है। बात यह है कि वहां पर तो एक शुगर मॉनिटरिंग चार्ट आपके सामने पड़ा होगा और आपने उस मरीज के ऊपर बताना होगा कि सॉरी इंसुलिन क्या करना है। मैम मुझे ना कुछ वो टाइम ऑफ डिलीवरी आपसे कंफर्म करना था। मैम बोलूं, आप मुझे बता दीजिएगा क्या इम्पोर्टेंट है। गुड ऑब्जर्व, बल्कि मॉक से ज्यादा जरूरी है ये, जो यही तो बहस है वहां की। गुड बताओ मैम। मैम फॉर एग्जांपल गेस्टेशन डायबिटीज है, वो मेटफॉर्मिन कह रही सॉरी मिथाइल डोपा पे अगर वो कंट्रोल्ड है, वेल कंट्रोल्ड है ना, उसमें प्रोटीन यूरिया कुछ उसमें साइन सिम्टम नहीं, क्लैम्पशिया प्री क्लैम्पशिया, हाँ जी PIH, उसको हम लोग 40+ वीक्स तक लेकर जाएंगे। जो पेशेंट हमारे पास प्री क्लैम्पशिया डेवलप हो गया फिर हम उसको फर्दर मॉनिटरिंग करेंगे, अगर तो उसकी प्री क्लैम्पशिया कंट्रोल्ड है, उसकी कहीं पे भी बायोकेमिकल क्लिनिकल या फिर उसकी मतलब साइन सिम्टम में डिटेरियोरेशन नहीं आती तो फिर उसको भी हम लोग 38 वीक्स तक लेकर जाएंगे। अगर कहीं पे भी डिटेरियोरेशन आएगी तो हम लोग डिलीवरी पहले भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर कोई पेशेंट जिसको मैक्सिमम हाइपरटेंसिव पे वो कंट्रोल्ड है और मतलब नहीं हो रहा और इसका ब्लड प्रेशर भी 160-110 से इवन 36-34 पे भी हो रहा है तो फिर हम लोग उसको उस वक्त डिलीवर कर देंगे। ऐसी है, साथ में आपने अल्ट्रासाउंड विद डॉपलर भी देखना है, उसके बाद प्लान करना है। वही कोई कॉम्प्लिकेशन अगर दोनों चीजें आप साथ रखेंगी, इन्वेस्टिगेशन कंपाइल करेंगी, देन आप ग्राउंड बनाएंगी, देन आप जो है वो उसका डिलीवरी प्लान करेंगी विद बैकअप ऑफ नर्सरी। बिल्कुल, वेरी गुड, देखो कितना जबरदस्त जवाब दे रहे और मैम जो हमारे पास देंगे वो तो डेफिनेटली मैम वो तो सारी चीज मैम। और जो पेशेंट होगा हमारे पास गेस्टेशनल डायबिटीज मेलिटस का फॉर एग्जांपल, अगर वो मेटफॉर्मिन पे भी वेल कंट्रोल्ड है और कोई कॉम्प्लिकेशन ही डेवलप होती और जो है उसको डाइट एक्सरसाइज के साथ और मतलब फॉर एग्जांपल हाँ उसकी मैक्सिमम डोज होती है ना कि हम लोग 3 ग्राम पर डे तक दे सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 ग्राम पे भी वेल कंट्रोल है तो हम उसे 40 वीक्स तक लेकर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो इंसुलिन पे कंट्रोल है या हाईएस्ट डोज ऑफ मेटफॉर्मिन या बोथ पे कंट्रोल है तो उसे मैक्सिमम 38 वीक्स तक लेकर जाएंगे। और इन केस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस लाइक पॉलीहाइड्रामनियोस और मैक्रोसोमिया उन केसेस के अंदर तो हम लोग मैक्सिमम 37-38 वीक्स तक ही लेकर जाएंगे अंटिल अनलेस के पहले एक चीज रखो माइंड में, डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो फिर आप उसको चलो 38 तक ला सकते हो। जी मैम, ऑफ कॉली पे पूरे 37 वीक्स के बाद हम लोग उसको डिलीवर कर देंगे, और अगर प्री प्रॉम का पेशेंट होगा तो उसको भी हम लोग प्रोलॉन्ग करेंगे अंटिल अनलेस के 34 37 गाइडलाइंस 37 तक हम कहेंगे कि प्रोलॉन्ग करेंगे 37 तक अंटिल अनलेस की उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाए तो फिर हम 34 से ऑनवर्ड डिलीवर कर देंगे। हाँ, लेकिन अब 37 तक ले आते हैं वो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर तो लीकिंग सेटल हो गई है और TLC ठीक चल रहा है और कोरियो का साइन नहीं है तो फिर हम 37 तक ले जा सकते हैं, अदरवाइज 34। अगर तो TLC आपका 16 पे चला जाता है 18 पे चला जाता है तो अदरवाइज तो ये है कि जहाँ कोरियो डेवलप हुआ है चाहे वो 28 पे हो गया तो उसका मतलब है बस डिलीवर कर देना, मतलब फिर 34 तक भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर तो हमने हमारी मैक्सिमम लिमिट इवन के 34 के बाद पेशेंट लेबर में अगर स्पॉन्टेनियसली भी चली जाती है तो हम लेबर को टोकोलाइज करके रोकेंगे नहीं, हम जाने देंगे पेशेंट को लेबर में। वेरी गुड। क्रॉनिक हाइपरटेंशन में भी, क्रॉनिक हाइपरटेंशन में भी 37-38 बताओ क्रॉनिक का। मैम क्रॉनिक हाइपरटेंशन में भी 37-38 वीक्स तक ही है ना, सुधा तो नहीं छोड़ेंगे ना। बिल्कुल, हाइपरटेंशन सारों में 37 चेंजेस होती हैं, सिर्फ PIH को हम 40 तक लेके जाएंगे, अदरवाइज बाकी जितने विद कॉम्प्लिकेशन हाइपरटेंशन के साथ हैं उनको 37 कंप्लीटेड पे। ठीक है बिल्कुल, यानी 38 पे। वेरी गुड, और बताओ बाकी कार्डियक बताओ, ट्विंस बताओ, सारा कुछ बताओ भाई।
सारे एक दफा कर लो ना, कितने कितने जो मोनोकोरियोनिक ट्विंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मोनोकोरियोनिक है, मोनोएम्योटिक है या डाइम्योटिक, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो वो अगर अनकम्प्लिकेटेड है, बिल्कुल एसिम्प्टोमेटिक है, तो हम लोग मैक्सिमम उसको 37 वीक्स पर डिलीवर कर देंगे। मोनोकोरियोनिक मोनोएम्योटिक को आप 32 तक लेके जाते हैं, उसमें आप 32 से गाइडलाइंस गाइडलाइंस मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक को 32 पे अंडर स्टेरॉइड कवर बाय सिजेरियन सेक्शन डिलीवर करने का कहती है, नॉट बाय स्पॉन्टेनियस डिलीवरी। ये बहुत जरूरी चीज है। मोनोकोरियोनिक डाइएम्नियोटिक को आप 36 से 37 के दौरान डिलीवर करते हो, एंड डाई डाई को 37 से 38 के दौरान डिलीवर करते हो। मोड ऑफ डिलीवरी डिपेंड करता है कि आपका प्रेजेंटिंग ट्विन कौन सा है, ठीक है। ट्रिपलेट्स को एंड ट्रिपलेट्स को भी हमने अमूमन जो है वो बाय सिजेरियन सेक्शन ही करते होते हैं, लेकिन अगर तो तीनों कफैलिक है और अगर पेशेंट लेबर में चली जाती है, अगर आपके पास पूरी टीम एंगेज है, जैसे हमने भी एक ट्रिपलेट जो है अपनी प्रैक्टिस में, बल्कि दो हमने ट्रिपलेट जो थे तीनों कफैलिक थे और हमने डिलीवर कर दिए थे, उसको सेक्शन नहीं किया, लेकिन सेफ मोड ऑफ डिलीवरी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखना चाहिए। सेफ सिजेरियन है लेकिन हमारे पास एस्टेब्लिश लेबर में आई थी पेशेंट। हाँ वो तो और बात है, लेकिन अगर डिस्कशन हो तो आपने सेफ पहले वो ढूंढना, बिल्कुल ठीक है। मोनोएम्नियोटिक मोनोएम्नियोटिक को प्लीज आपने ऑप्शन जरूर 32 वीक्स रखना है। हाउएवर यू कैन से कि अगर नर्सरी का इशू है या ये वो है तो चलो मैं फिर, लेकिन गाइडलाइन के मुताबिक 32 ही है, वो इसलिए क्योंकि कॉर्ड एक्सीडेंट्स और उसकी वजह से, क्योंकि उसके अंदर बहुत 60% एक्सीडेंट्स होता है, और बाकी मोनोकोरियोनिक जितनी भी प्रेगनेंसीज है उन पे मॉनिटरिंग जो है वो 16 वीक से ऑनवर्ड स्टार्ट करनी होती है टिल 26 वीक्स फॉर उसके लिए ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के लिए, और डाई डाई के लिए हम 20 वीक से ऑनवर्ड हम मॉनिटरिंग शुरू करते होते हैं फॉर प्रेगनेंसी रिलेटेड। 24 से, अच्छा गाइडलाइंस में 20 वीक्स लिखा हुआ है ट्विंस की गाइडलाइंस। अच्छा नहीं वैसे 24 मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन मैंने जहाँ पे अपने हाथ से लिखा हुआ है ना वो डाई डाई में 20 वीक से है और मोनो में 16 वीक से है। मैम पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी में अगर 24 है मैम, 24 मोनो में 16 है, नई गाइडलाइन बता दे मोनो न्यू गाइडलाइन में मोनो में 16 है और अगर सब कुछ ठीक चल रहा हो तो 37 तक लेके जाएंगे। अगर डिटेरियरेशन होती है तो फिर हम क्या करेंगे, प्लान ऑफ डिलीवरी फिर हम अर्ली करेंगे और उसमें फिर मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा। देखो जो कार्डियक डिजीज अगर आपके पास बिफोर टर्म डिटेरियरेशन के साथ आए तो वो बिल्कुल इंडिकेशन नहीं है डिलीवरी की, एक्सेप्ट कि आपने डिलीवरी करनी है माँ को बचाने के लिए, मदर को बचाने के लिए, मैटरनल कॉम्प्रोमाइज हो रहा होगा, हमने डिलीवर कर देना है। एग्जैक्टली, अदरवाइज अगर मदर अनस्टेबल कंडीशन में आ रही है कार्डियक डिजीज की वजह से तो डिलीवरी इटसेल्फ विल कॉज मोर स्ट्रेस टू मदर, तो उसमें डिलीवरी इज नॉट द सोल्यूशन। आपने पेशेंट को पहले स्टेबल करना होता है, उसके उस कार्डियक इवेंट से निकालना होता है, उसके बाद आप उसकी डिलीवरी प्लान करते हो। मोड ऑफ डिलीवरी हम डिस्कस करेंगे एनेस्थीजिया वाले सॉरी कार्डियोलॉजिस्ट के साथ, और एनेस्थीजिया जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे एनेस्थेटिस्ट के साथ, एंड वी आर एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन विल टेक केयर द पेशेंट एंड डिलीवर देम एंड प्लान देयर इन हाई डिपेंडेंसी यूनिट। जी थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर सिद्रा। मैम मुझे ये भी पूछना था कि जो सीवियर प्रीक्लैम्प्सिया होती है जिसको हम कहते हैं कि हमने 34 वीक्स पर डिलीवर करना होता है, उसका क्राइटेरिया भी यही होता है ना कि डेफिनेटली उसमें कोई डिटेरियोरेशन होगी, कोई डॉपलर खराब होगा, बायोकेमिकल या सिम्टम्स खराब होंगी, तो फिर 34 पे करेंगे, अदरवाइज 37 तक लेकर जाएंगे ना। बिल्कुल, और अगर इमिनेंट मैम पेरिपार्टम में फॉरन ही कर देंगे, पेरिपार्टम विद मैटरनल कॉम्प्रोमाइज, पेरिपार्टम कार्डियोमायोपैथी विद मैटरनल कॉम्प्रोमाइज, बातें दो अलग हैं। अगर पेशेंट सेफ चल रही है तो आप बेशक उसको ले जाएं, आगे तक ले जाएं, अगर थ्रोम्बो प्रोफाइल एक्सिस के ऊपर है तो 38 पे डिलीवर करना है प्लान डिलीवरी, अगर तो पेशेंट थ्रोम्बो प्रोफाइल एक्सिस पे नहीं है तो आप बेशक स्पॉन्टेनियस के लिए इंतजार कर सकते हैं 39 तक, उससे ज्यादा नहीं। उसकी वजह यह है कि वो एडमिट आप उसे कर लोगे एक हफ्ता पहले। कार्डियक डिजीज
नॉट ऑन मेडिकेशन स्टेबल, नॉट ऑन मेडिकेशन को आप 39 से आगे ना लेके जाओ, 38 पे एडमिट कर लो, ताकि जब उसका 39 वाला टाइम आ रहा है, 39 वीक्स वाला, तो अनस्टेबल कंडीशन में ना आपके पास है. कार्डियक डिजीज ऑन मेडिकेशन शुड बेटर बी डिलीवर्ड एट 38 वीक्स. उसमें भी मोड ऑफ डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी हमने कार्डियोलॉजिस्ट से डिस्कस करना होता है लाजमी. एंड बिशप स्कोरिंग उसकी वो प्रीवियस पे भी डिपेंड करता है, हिस्ट्री और वो सारे असेसमेंट पूरी अपनी करके बिशप स्कोर करके. जैसे कि एओर्टिक स्टेनोसिस वगैरह वाले पेशेंट है, मार्फन वाले हैं, ये कार्डियक कॉम्प्रोमाइज इनमें जल्दी हो जाता है, इसमें हमने डिस्कस करना होता है कार्डियोलॉजिस्ट से. बिल्कुल गुड, काफी अच्छा पढ़ा है सर. ग्रेड 3-4 वालों को तो इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन ही करेंगे ना, अगर 3-4 है नेहा क्लासिफिकेशन में. डॉक्टर के अंदर भी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि पेशेंट स्टेबल कितनी है. अगर पेशेंट बिल्कुल स्टेबल है, और देन अगेन वही सिद्रा वाली बात की, यू नीड टू डिस्कस विद द कार्डियोलॉजिस्ट एट टाइम. एनेस्थीसिया भी ज्यादा बड़ा स्ट्रेस हो सकता है देन नॉर्मल डिलीवरी फॉर द पेशेंट. तो बल्कि नॉर्मल डिलीवरी और रिकवरी और वो चीजें उसके लिए बेहतर हो सकती हैं. सो ग्रेड 3 or 4 इज नॉट एग्जैक्टली एन एब्सोल्यूट इंडिकेशन फॉर सिजेरियन सेक्शन. एंड ऊपर से प्रेगनेंसी रिलेटेड शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ अपनी भी पेशेंट की हो सकती है, एक प्रेगनेंसी रिलेटेड स्टेट. एको के ऊपर डिपेंड करता है कि एको के ऊपर आपकी फाइंडिंग्स क्या आ रही है, कार्डियोलॉजिस्ट आपको क्या कह रहा है, आपका अपना जो है उस पर अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो क्या प्लान बनता है. गुड, और अगर कहीं पे भी हमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन मिल जाएगी या फिर IUGR का एलिमेंट मिल जाएगा, तो हम देखेंगे जहाँ पे डॉपलर खराब होगा तो हम लोग 34 वीक्स तक, मतलब 34 पे डिलीवर कर देंगे अगर ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड है या डॉपलर खराब है. और अगर एब्सेंट और रिवर्स होगा तो उसको डेक्सा लगा के फौरन ही कर देंगे. वेरी गुड. एब्सेंट के ऊपर आप 4-5 वीक्स का टाइम होता है वैसे हमारे पास, लेकिन हम फिर भी स्टीरॉइड एडमिट कर लेते हैं पेशेंट को, स्टीरॉइड कवर लगाते हैं, एंड देन उसका जो है अल्टरनेट डेज के ऊपर डॉपलर करते हैं. देन हम उसका जो है कोशिश, अगर 34 वीक्स पे है तो फिर तो हम स्ट्रेट अवे डिलीवर कर देंगे. लेस देन 34 है तो कोशिश यही करनी है कि 34 तक लेके जाना है जितना निकल जाता है विद अल्टरनेट डॉपलर्स एंड अंडर एडमिशन. जी मैम, ये बात मुझे पता है, लेकिन मुझे ये सर ने उस दिन बताया था कि अब जो न्यू हम सेटअप करते हैं ना उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कर देते हैं उसको, तो ये भी बेटर है. तो मगर गाइडलाइन ना चार्ट देखते हैं, आप गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं. 32 जो है वो वाकई एब्सेंट लाइकर में आप इतना भी नंबर रिवर्स के लिए है, वो रिवर्स के लिए 32. ठीक है मैम, सही है. मतलब अगर एब्सेंट भी आ जाते तो हम उसको अल्टरनेट डे भी करके 34 तक लेके जाने में कोई हर्ज नहीं है, जहाँ भी खराब होगा हम कर देंगे. नर्सिंग की वजह से आप कह सकते हो कि अगर एब्सेंट लाइकर आ गया है तो 32 वीक्स पे, लेकिन आई वुड लाइक टू टेक हर टू 34 वीक्स अल्टरनेट उसका डॉपलर करके बिकॉज ऑफ द नर्सिंग. और मैम जो आईडियो, और मैम जो आईडियोपैथिक लगानी पड़ती है. जी सॉरी, आप द मैम जो आइडियोपैथिक सीवियर इलिगोग्राम्यूस फॉर एग्जांपल 3 or 2 सेंटीमीटर के साथ होगा, उसको हम लोग कितने वीक तक लेकर जाएंगे? हम लोग तो मोस्टली उसे 34 पे डिलीवर कर देते हैं. 34 पे ही लेके जाना होता है आइडियोपैथिक, हमें 34 तक लेके जाते हैं. आइडियोपैथिक को भी डिपेंड करता है आपका डॉपलर साथ कैसे चल रहा है. डॉपलर अगर नॉर्मल है, लेस देन 5 डॉपलर नॉर्मल है तो उसमें क्या करेंगे? तो 34 गाइडलाइन सेज 34 एडमिट रखेंगे पेशेंट को जब. मैडम मैम आप बताएं प्लीज, मुझे ऐसा लगता है कि एम्नियोस वाला इडियोपैथिक स्पेशली, और वो अगर 3 to 4 FI, इट्स नॉट लाइक एब्सेंट लाइकर या 1 to 2 नहीं है, एटलीस्ट 3 to 4 है या 5 to 6 है उसका लाइकर. 5 to 6 तो खैर इतना बुरा भी ना हुआ, वो तो आप 37 तक लेके जा सकते हो, लेकिन अगर वो 3 to 4 है तो इफ योर नर्सरी अलाउज बेटर 34 वीक्स. बट अगर आपकी नर्सरी में इतना नहीं अच्छी नर्सरी, तो विद स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और डॉपलर भी साथ चेक करके, बट नॉट लाइक ऑल्टरनेट डॉपलर, बिकॉज आप प्रूव कर चुके हो कि इडियोपैथिक ओलिगोहाइड्रोमियोसिस है, तो आप 37 वीक्स तक लेके जा सकते हो उसे. नर्सरी अगर अलाउ नहीं करती है और 3 to 4 AFI एक्सेप्ट के उसका AFI और कम हो जाए, अगर 1 to 2 हो गया तो फिर आप उसको पहले कर दो,
लेकिन ये कि अगर आपकी नर्सरी में काफी फर्क है, स्वेयर में तो लेस देन 3 चला जाएगा ना, स्वेयर में तो लेस देन 3 आ जाएगा, शी इज सेइंग अबाउट स्वेयर हो गया ना, 1 से 2 जो है उसमें स्वेयर में तो 34 है मैम, और जो मॉडरेट है उसमें यानी कि मॉडरेट में 37 ही है एंड माइल्ड में भी 38 है, 38-37 है, 3 to 4 इज फिर मॉडरेट ना, मॉडरेट है तो 37 तक लेके जाएंगे एंड स्वेयर वाले 34 मॉनिटरिंग, बिल्कुल यस, और मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगा, इंडक्शन करेंगे तो बीयर को 34 पे 34 जी हाँ, देखो ना 1 से 2 वाला तो अब आप आगे तक लेके जाना थोड़ा सब, क्योंकि 1 से 2 अगर लाइकर हो गया है तो उसमें तो सडन विद नो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन, 33-4 वाला जो लाइकर है उसको हम एडमिट करके मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी, ओलिगोहाइड्रोएम्निया उसमें मोड ऑफ डिलीवरी क्या होगी, इसके अंदर यू विल गिव ऑप्शंस टू द पेशेंट, नंबर वन ऑप्शन वो जो आपके ख्याल से बेहतर है, पेशेंट का इतना कम लाइकर है 3 to 4 है या 1 to 2 है, अगर डॉपलर यहाँ ठीक है ना, इडियोपैथिक की बात कर रहे हैं ना, तो डॉपलर तो ठीक है, तो नंबर वन ऑप्शन फॉर दैट पेशेंट विद दिस मच डिक्रीज लाइकर विल बी सिजेरियन सेक्शन, सेफर, नंबर टू विल बी के इंडक्शन विद लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन, नंबर वन देखो आपने एग्जाम में बहुत ज्यादा रिस्की और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटल ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं बनना, आपने वो करना है जो सेफ हो, क्या फायदा उस लेबर का कि अभी लेबर पेन आई है और उसके बड़ी बड़ी डिप्स आना शुरू हो गई हैं, भाग दौड़ करके, लेकिन जैसे इस दिन जैसे ये ओलिगो यूरिक बच्चे जो होते हैं या अंडर स्ट्रेसफुल स्टेट चल रहे होते हैं, इनके बारे में ये कहा जाता है कि इनके लंग्स अच्छे रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स बेशक अच्छे करते हैं लेकिन कोई तो वजह, इडियोपैथिक डज नॉट मीन कि दुनिया में वजह ही एग्जिस्ट नहीं करती कि लाइकर कम है, वजह तो कहीं ना कहीं है, मे बी साइंस और मे बी आर इन्वेस्टिगेशंस हैव नॉट रीच्ड टू दैट कॉज येट, जहां भी हम इडियोपैथिक या अनएक्सप्लेन की बात करते हैं वो अनएक्सप्लेन नहीं होता, द कॉज इज देयर बट वी आर नेवर एबल टू रीच दैट कॉज और वी आर नॉट येट एबल टू रीच दैट कॉज, अभी शायद उतनी इन्वेस्टिगेशन नहीं बनी कि हम उस वजह तक पहुंचे, देन वी लेबल इट एज इडियोपैथिक और अनएक्सप्लेन, so there is definitely a cause that the liker has come down to 3 or 4 or 1 or 2, now we don't know that cause, aisa to aur bhi bura hai ki if we don't know the cause and we are given trial of labor to that baby, maybe there is some problem in the placenta or microvascular level pe, ye kya hai, aur aap dekhte hoge ki oligo wale bacche jo hain unke dips bahut jaldi aa jate hain labor pains mein, सो लो थ्रेशोल्ड ऑफ सिजेरियन सेक्शन जहाँ कह रहे हो वहाँ आप थोड़ी सी मॉर्बिडिटी बढ़ा सकते हो, तो आप ये कह सकते हो कि मैं इसका नंबर वन पे सिजेरियन टू कीप सेफ, एक हेल्दी मदर को हेल्दी बेबी देने से देना ही बेहतर है इंस्टेड के नर्सरी में स्टे वाला बच्चा दिया जाए, सो आप कह सकते हो, हाउएवर नंबर टू ऑप्शन का मतलब यही है कि इट्स नॉट एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड फॉर नॉर्मल डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए आप उसके, लेकिन नंबर वन ऑप्शन में आपको सेफ ज्यादा रहना, जहाँ पे सेफ्टी वाला आपका भारी है उस साइड पे आप रहोगे, जहाँ पे इसलिए नंबर टू आप कह सकते हो कि इंडक्शन विद लो थ्रेशोल्ड फॉर सिजेरियन सेक्शन, मैम फॉर एग्जांपल अगर सीवियर है जिसमें 3-4 लाइकर है तो हम उसमें ये कह देंगे ना कि एक तो हम लोग उसको प्रोलॉन्ग करेंगे एज क्लोज टू टर्म एज पॉसिबल, और हम उसकी मॉनिटरिंग करते रहेंगे मैक्सिमम उसको 34-35 वीक्स पे, हम उसको टू बी सेफ ऑब्स्टेट्रिशियन हम उसको सिजेरियन सेक्शन से डिलीवर करेंगे, और जो हमारे मुल्क में सर्वाइवल है वो 90+ है 92-95 हो जाता है 34 वीक्स पे, तो उसके अकॉर्डिंगली हम लोग उसको सिजेरियन कर देंगे, ये ज्यादा बेटर ऐसी तरह कर लें। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छा एक काम करो परसों एग्जाम है ना, जैसे अब सिर्फ जैसे 2 nights रह गई हैं और फिर एग्जाम है परसों या फर्स्ट, अब जिन्होंने सुना सारी डिस्कशन और साथ पार्टिसिपेट बहुत अच्छा किया, एक काम करो आप लोगों में से कई कर भी चुके होंगे, ये कोई 10 या 15 इंडिकेशंस हैं, हाइपरटेंशन की 5, हाइपरटेंशन क्रॉनिक हाइपरटेंशन है, प्री एक्लेम्शिया है, सिवियर प्री एक्लेम्शिया है, इमिनेंट एक्लेम्शिया है, और बस उसके बाद डायबिटीज कंट्रोल्ड ऑन इंसुलिन, डायबिटीज कंट्रोल्ड ऑन ओनली ओरल हाइपोग्लाइसीमिक या डाइट, डायबिटीज विद कॉम्प्लिकेशन, कार्डियक डिजीज ऑन मेडिकेशन, कार्डियक डिजीज नॉट ऑन मेडिकेशन यानी कि स्टेबल है नॉट विदाउट मेडिकेशन, कोलिस्टेसिस
ट्विन ट्विन के मोनोकोरियोनिक मोनोम्योटिक मोनोकोरियोनिक डायम्योटिक डायकोरियोनिक डायम्योटिक ठीक है। और उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया, आईयूजीआर एसजीए, आईयूजीआर तो आसान है, एसजीए भी एग्जैक्टली 37 वीक्स तक लेके जाना है। उसके बाद उसके अलावा हमने ये तो कोई तकरीबन कितने हो गए 10-12 आ गए ये बात, इसका टेबल बनाओ उसके आगे लिखो एग्जैक्टली के कोलिस्टेसिस है 37 वीक्स, मोनोकोरियोनिक मोनोअम्नियोटिक है 32 वीक्स, मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक है 36 वीक्स, मोनोकोरियोनिक डायम्नियोटिक डायकोरियोनिक है 37 वीक्स, को जो भी आ गया मैं क्या बोलके, तो और उस टेबल को रख लो वहां एग्जाम में, एग्जाम सिनेरियो में दिमाग नहीं चलता। अभी माशाल्लाह बहुत अच्छे बहुत सारे लोगों ने जवाब दिए, वो भी सारे इंसान है, उनका भी दिमाग वहां पर जाकर इतना अच्छा शायद ना बोल सके जितना यहाँ बोलू। ये चीज अपने फिंगर टिप्स में कर लो, ये 12 सिनेरियो के ये है इसका एग्जैक्टली यही। फिर पीछे रह गया पॉली और ओलिगो, मैं आपको सच्ची बात बताऊं पॉलीहाइड्रेमियस और ओलिगोहाइड्रेमियस आपको बहुत क्लियरली मिलेगा ही नहीं कहीं पे कि किसमें आपने कितने वीक्स तक जाना है। रफली ये है कि जी पॉली और ओलिगो आप 38 वीक्स तक ले जा सकते हो, कोई गलती नहीं है इसमें कहने में। हाउएवर वी नो दैट इफ समबडी इज हैविंग 1-2 लाइकर एफआई दैट इज नॉट रियली गुड, हाउ कैन वी टेक हर बियॉन्ड 34 वीक्स, आई वुड नॉट लाइक टू टेक हर बियॉन्ड 32 वीक्स। अगर मेरे पास मरीज आए एफआई 1-2 के साथ और लीकिंग भी नहीं है एंड आई डोंट नो द कॉज, तो मैं 32 वीक्स से आगे ले जाते हुए उसे डरूंगी। मुझे अच्छा इफ आई एम वर्किंग एट सम प्लेस जहाँ नर्सरी बहुत अच्छी है तो मेरे लिए 32 वीक्स पे भी ठीक है, बट इफ यू थिंक आपको नर्सरी की वजह से 34 वीक्स तक लेके जाना चाहिए तो लेके जाना चाहिए, है क्या फायदा उस बेबी का 32 वीक्स में करने का जो सर्वाइव ही नहीं कर सकेगा कल, यू नीड वेरी गुड नर्सरी बैकअप फॉर दैट बेबी राइट। सो वो चीज, दूसरी चीज अगर उसके अलावा ओलिगो 3-4 है विच इज अगेन किसी ने कहा मॉडरेट है, इसमें तो फ्रेंकली माइल्ड मॉडरेट सिवियर की भी बहुत हार्ड एंड फास्ट क्लैरिटी आपको, जितनी क्लैरिटी बाकी सिनेरियोस में मैंने बोला हाइपरटेंशन डायबिटीज कार्डियक मोनोकोरियोनिक मोनम, वैसी क्लैरिटी ओलिगोपॉली में नहीं है कहीं पे भी। इसलिए बट यू नो इफ इट इज 3-4 विच इज मे बी मॉडरेट यू कैन टेक हर अप टू 37, इफ इट इज माइल्ड यू कैन टेक हर टू 38, पॉलीहाइड्रेमनियोस माइल्ड 38, मॉडरेट मॉडरेट पता नहीं कितने में आ जाता है हमारे लिए, तो अगर 25 के ऊपर एफआई आना शुरू हो जाए उसमें तो मरीज बार बार प्रीटर्म लेबर में ही आता रहता है, उसकी तो ट्यूकोलिसिस ही बड़ी मुश्किल हो जाती है। हाउएवर इवन अगर सिवियर भी है तो अगर आप कई किताबें और कई गाइडलाइन में तो खत आपको उसमें पॉली का शायद दूसरा मिलेगा ही नहीं, अगर पॉली में बात करी जो शुगर वगैरह के बगैर है तो उसमें वो कहते हैं कि पॉली को आप 38 तक ले जाओ चाहे वो सिवियर भी है, बट रीचिंग टिल 38 वीक्स इज वेरी स्ट्रेंज थिंग, तो वो आप अकॉर्डिंगली बट 38 तक आप कर सकते हो बट यू नीड मॉनिटरिंग, तो यस उसमें आप अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकते हो पेशेंट की क्लिनिकल सिचुएशन। व्हाई 38 बिकॉज द बेबी नीड्स टू बी मैच्योर व्हेन इट इज बॉर्न, सो आपको वो बच्चे का कुछ फायदा नहीं जो कि आप हेल्दी नहीं करा रहे हो। वी नो के नर्सरी में इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल, बच्चे की कंडीशन नर्सरी में वेरी अनप्रिडिक्टेबल, सो ओलिगोपॉली में बहुत टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। उसके अलावा और कहाँ पे कंफ्यूजन हुई है, मेरा ख्याल है यही थे, तो इसका एक टेबल बनाओ याद कर लो दैट्स इट, और याद कर लो बिकॉज यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर, वहां पे दिमाग नहीं काम करता। तो क्वेश्चन ये था कि मैम ये क्वेश्चन था कि फाइब्रॉइड यूट्रस अगर होता है तो लेस देन 12 वीक साइज यूट्रस है विद फाइब्रॉइड और कोई उसको सिम्टम्स नहीं है तो भी टच करने की जरूरत नहीं है ना, अगर कोई सिम्टोमेटिक नहीं है, अगर मोर देन 12 वीक साइज से ज्यादा है यूट्राइन साइज ड्यू टू फाइब्रॉइड और पेशेंट को अगर कंप्लेन होगी तब तो फिर हम उसको ऑप्शंस देंगे, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है तो कंजर्वेटिव भी दे देंगे हार्मोनल नॉन हार्मोनल और अकॉर्डिंगली सर्जिकल अगर पेशेंट चाह रही होगी तो, लेकिन अगर 12 वीक्स साइज से ज्यादा है और कोई सिम्टम नहीं है पेशेंट को तो फिर तो जरूरत नहीं है ना हमें उसको रिमूव करने की या उसको ट्रीट करने की या अगर कॉस्मेटिकली अगर ये सबके लिए बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने 12 वीक्स वाली बात नहीं सुनी
तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है या कहीं नहीं पड़ी 12 वीक्स साइज. देयर इज नथिंग लाइक 12 वीक्स इन अ फाइब्रॉइड. व्हाट रियली मैटर्स इज वेदर द फाइब्रॉइड इज सिम्प्टोमेटिक और एसिम्प्टोमेटिक. मोर देन 50% ऑफ फाइब्रॉइड्स इन द होल वर्ल्ड पॉपुलेशन आर एसिम्प्टोमेटिक. व्हेन द फाइब्रॉइड इज एसिम्प्टोमेटिक you just counsel the patient that it's not going to be converted into cancer, less than 0.1% chance of getting malignant. Number two, it's not causing any symptom, you do not need any surgery. Number three, yes, keep a follow up with the fibroid, maybe yearly scan or so. There is no hard and fast yearly or what jo marzi agar aapko lagta hai har saal baad se karana chahiye, just to keep a check ki size bahut badh to nahi raha. Number three, if she develops any symptom anytime, she can come back. That is it. Don't talk about 12 weeks or beyond 12 weeks or less than 12. All you need to talk about is whether it's symptomatic or asymptomatic. That is it. ठीक है, fibroid की treatment के लिए. मैम उसका cut off नहीं है, अगर 18 to 20 week size भी है, अगर patient को bother नहीं करा तो हम कुछ नहीं करेंगे. ना करो. वो आपने उसको bother करा के surgery करा के उसे bother करा देना. आपके पास मरीज. और मैम अगर 18 to 20 week size है. आपके पास एग्जाम में पेशेंट आई भी है, चूंकि व्हेन यू एग्जामिन्ड हर दिस यूज्ड टू हैपन इन लॉन्ग केसेस. पेशेंट हिस्ट्री नहीं पेशेंट ने दी होती कि उसको प्रोलैप्स है, उसकी कोई और कंप्लेंट होती है, उसकी पेन लोअर एब्डोमेन और मैस के साथ हुई है, उसकी बिल्कुल ही कोई और कंप्लेंट होती है, बट देयर इज अ प्रोलैप्स देयर एंड यू सी दैट देयर इज अ प्रोलैप्स एंड देन यू आस्क हर दैट यू नो देयर इज अ प्रोलैप्स, आपको प्रोलैप्स है, वो कहती है हाँ मुझे पता है. तो आप कहते हैं सो व्हाट डू यू थिंक, डू यू रियली वांट टू गेट ट्रीटमेंट फॉर इट, ये आपको तकलीफ दे रहा है, देगी नहीं मुझे तो कोई मसला नहीं. तो जरूर आपने उस मरीज की सर्जरी करके या उसकी ट्रीटमेंट या उसे जबरदस्ती पैसरी रख के आपने उसको सिम्टोमेटिक बनाना. ओनली ट्रीट द पेशेंट, दैट इज इट. इस मौके पे ये कहते हैं डोंट ट्रीट द डिजीज, ट्रीट द पेशेंट. आपने मरीज का वो मसले हल करने हैं जो उसके लिए मसले हैं, या कोई ऐसा मसला है जो बेशक मसला नहीं भी कर रहा लेकिन वो कल को मलिग्नेंट हो सकता है, तो आपने वो हल करना. अगर ऐसा मसला है जो मलिग्नेंट नहीं हो सकता और उसको बिल्कुल सिम्टोमेटिक नहीं है, तो आप उसकी सर्जरी करके उसकी ट्रीटमेंट करके उसको मसला डाल देंगे. सो उस चीज को आपको, अगर एक पेशेंट आई है किसी एचएमबी या किसी मसले के साथ, बट शी इज हैविंग द हिस्ट्री ऑफ सबफर्टिलिटी इन अ वे कि शी इज मैरिड फॉर 6 इयर्स बट शी इज देयर विद इररेगुलर ब्लीडिंग एंड यू कीप ऑन सेइंग टू हर कि आपकी फर्टिलिटी फर्टिलिटी फर्टिलिटी, बट शी इज सेइंग दैट आई डोंट रियली वांट टू कंसीव नाउ, तो उसकी फर्टिलिटी को उस वक्त के लिए फिर साइड पर रख दो ना. मतलब फिर आप उसके लिए वो मसला क्यों बना रहे हो जो कि उसके लिए मसला नहीं है फिलहाल. ठीक है, so you need to be very very careful. जो asymptomatic है वो asymptomatic है, and you also know that that asymptomatic thing is not going to get malignant. अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि उसकी malignancy develop हो सकती है तो वो और बात है, लेकिन asymptomatic चीज को फिर asymptomatic ही रहना. मैम HMB with 18 to 20 weeks size uterus है, HMB के साथ है, तो उसमें मैम फिर हम यही ऑप्शन देंगे कि ड्रग्स है भी हार्मोनल नॉन हार्मोनल, बट दीज आर नॉट रिड्यूसिंग द साइज ऑफ द फाइब्रॉइड एंड सर्जिकल, मतलब सर्जरी का ऑप्शन भी देंगे और पहले कंजर्वेटिव का ऑप्शन दे देंगे दोनों. सबको ये बता देंगे कि फाइब्रॉइड, दो बातें नरीन ठीक होने वाली है. एक चीज ये कि यूट्रस के साइज को बहुत कैजुअली नहीं बोलना. व्हाट डू यू मीन 18 टू 20 वीक साइज? यू शुड नो इन योर एग्जामिनेशन, से वन साइज. It's 18 week size uterus. It's 20 week size uterus with irregular border, form, consistency, mobile, जो भी आपने. But towards 18 to ये आपका एक ना casual attitude show करता है. 18 to 20 के मुझे क्या पता 20 है या 18 है, पता नहीं लाइकस तक भी पहुंच रही थी उससे नीचे. You should know exactly. Number one, examination में casual नहीं होना, exact बात करनी है. एक चीज क्यों exact बात करनी है, ये जब हम अप्रोक्सीमेशन ऑफ अ साइज बोलते हैं ना, वो एक रेंज बोलते हैं. जैसे कि कोई एडिनेक्सल मैस है, एडिनेक्सल मैस आप अप्रोक्सीमेशन में बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि एडिनेक्सल मैस इज नॉट मेजर्ड विद अ बोनी लैंडमार्क. जब आप ओवेरियन सिस्ट को मेजर करते हो तो आपके लिए कोई बोनी लैंडमार्क नहीं होता, आप एक अंदाजे से बोलते हो कि इट्स 7 to 8 इंटू सेंटीमीटर्स और इट मे बी 7 to 8 or 7 whatever इतने सेंटीमीटर्स, और इट मे बी अ साइज ऑफ एन ऑरेंज. क्यों? क्योंकि हमारी हम MBBS से पढ़ते आए हैं कि साइज एग्जामिनेशन में मेजर होता है किसी भी मैस का एक बोनी लैंडमार्क से, इतने सेंटीमीटर फ्रॉम मीडियल एपिकोंडाइल, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस.
एक डिस्टेंस एक बोनी लैंडमार्क से होता है। अगर वहां पे वो बोनी लैंडमार्क नहीं है जैसे कैडिन एक्सेल मैस में, तो फिर तो रेंज बोलना अलाउड है, क्योंकि आपने एक अंदाजे से बोला है कि एक ऑरेंज के साइज का है तो शायद 5x6 होगा, या एक इतने साइज का। तो यूट्रस इज मेजर्ड फ्रॉम सिम्फिसिस प्यूबिस। जब यूट्रस का फंडल हाइट मेजर की जाती है या यूट्रस का गाइनी में मैस फील किया जाता है यूट्राइन, तो वहां पर हमारे पास लैंडमार्क इज सिम्फिसिस प्यूबिस। If even there you are saying 18 to 20 week size, it means you are very casual about your examination. And when you are casual about anything in your exam, then फिर बाद वहाँ पे गोलमाल होना शुरू हो जाती है। वहाँ पे casual होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं मरीज के ऊपर। So you should say exactly it's 18 weeks or 20 weeks. For example, if you're talking about 18 weeks and you're saying that a patient is having HMB and you know the cause, which is fibroid. How are you going to give her a, how can you even talk about a hormonal and a non-hormonal treatment in her? She is not a toy or a or your sample of some experiment ke ab wo HMB ke sath aayi hai 8HB karke fibroid uska diagnosis hai and you are giving her a trial of hormonal treatment ke mahina do mahine zara leke aao to bleed karti raho and then come back to me, चाहे तुम ब्लड लगवा लो या आयरन लगवा लो या ओरल आई, इधर से मुंह से लिए जा रही हो उससे ब्लीड के जा रही हो, एंड देन व्हेन यू नो दैट फाइब्रॉइड के ऊपर हार्मोनल या नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट ने एक्ट ही नहीं करना, ठीक है ना, एक्सेप्ट कि उसका डायग्नोसिस इज ऑफ एंडोमेट्रियल रीजन की ब्लीडिंग, जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ब्लीडिंग हो रही है जिसमें सारे और कॉजेस रूल आउट हो गए, उसमें हम मेडिकल ट्रीटमेंट की बात कर सकते हैं। If she's having multiple fibroids and she has come up with a HMB and HB is already very less hai, to HMB ke saath aayi hai na, to treat her fibroids, phir uska hit and trial wala koi kaam nahi reh jata, theek hai? So ye is cheez ke liye bahut clear ho jao ke kahan pe aapne kis tarike se examination ka bolna hai, and then आपका जो है मैनेजमेंट में, अगर आप इस तरह के मरीज में जो फाइब्रॉइड 18 वीक इज अ वेरी बिग साइज फॉर यूट्रस उसके अंदर, एंड देन यू नो शी इज हैविंग फाइब्रॉइड्स एंड नाउ शी इज कम अप विद एचएमबी, आप उसके इस तरह के मरीज के ऊपर हिट एंड ट्रायल ऑफ मेडिसिन नहीं कर सकते व्हेन यू नो दैट फाइब्रॉइड के ऊपर मेडिकल ट्रीटमेंट का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है? सो ये करो मैम। यूरोजेनिटल फिस्टुला, मैम यूरोजेनिटल फिस्टुला जो है इसकी रिपेयर भी आ सकती है, हमने तो कभी की नहीं यार, ये कुछ बड़े स्ट्रेंज किस्म के, तो कर लो यूरोजेनिटल फिस्टुला को जुबानी याद कर लो, नेट पे देख लो इसके डेमोन्स्ट्रेशन मॉडल्स के ऊपर, कि दो ही तो दो तरह से तो करना है कि यूरिनरी पार्ट कैसे करना है और नीचे पेरिनियल पार्ट को कैसे करना है। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह इस वक्त एग्जाम में फिस्टुला तक इस वक्त आ सकता है, पेरिनियल टीयर जरूर, इस वक्त ब्लैडर रिपेयर आ सकती है। मैनचेस्टर को आजकल इतना पसंद नहीं करते एग्जामिनर्स, आई डोंट रियली थिंक सो, वरना पहले उसके भी मॉडल्स बड़े अच्छे पड़े होते थे इनके पास, तो यही आ सकता है। और इसके अंदर क्या आ सकता है मेन मैम, जो थर्ड फोर्थ डिग्री होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम फोर्थ डिग्री करते हैं, जो हम अपने ट्रेनिंग में करते थे, हम लोग रेक्टल मुकोजा को कंटिन्यूअस लेते थे एंड टू एंड, और उसके बाद जो इंटरनल एनस फिंचर होता है, जो ग्लिसनिंग वाइटनिंग होता है, उसको भी हम लोग एंड टू एंड करते थे, और जो फिर एक्सटर्नल एनस फिंचर होता था, अगर वो फुल लेंथ टॉर्न है तो फिर उसको ओवरलैप टेक्निक से कर लेते थे, अगर पार्शियल होता था तो फिर हम एंड टू एंड कर लेते थे। मैम हमारी तो ये बिल्कुल ठीक बोला, इसी को रट्टा मार लो, कोई टेंशन की बात नहीं। मैम गाइनी बोर्ड का बता दें। थैंक यू मैम। मैम गाइनी बोर्ड जो है आएगा यार, ये गाइनी बोर्ड और लेबर बोर्ड जो है आ तो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है और इतना कुछ है कि शायद ये ना भी है, बिकॉज़ दे नो दैट यू ऑल नो के एक्यूट इमरजेंसी में जो किसका प्रायोरिटाइज करना तो सबको आ गया हुआ है, बिकॉज इसमें मोस्टली कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे मार्क्स आते रहते हैं, बिकॉज सबने वार्डों में काम किया हुआ है लेबर बोर्ड, तो मुझे शक है कि शायद लेबर बोर्ड गाइनी बोर्ड ना ही है। मैम गाइनी बोर्ड दो तरह से वैसे आ सकता है, अगर आपने प्री वार्ड का मतलब प्रायोरिटाइज करना है उसको, या ये कि आपने पोस्ट ऑप वार्ड का राउंड करवाना है कंसल्टेंट को। मैम एमआरसीओजी की बुक्स में तो ये आए हुए हैं, काफी दफा रिपीटेड है उनके स्टेशंस, तो
ये बिल्कुल, या तो कोई स्टेशन ऐसा बन जाए तो शायद आ भी जाए, लेकिन हो सकता है तैयारी कर लो, लेकिन आई डोंट नो कि पोस्ट ऑफ वार्ड में राउंड हमारे इधर के कुछ थोड़े से हालात डिफरेंट होते हैं, और इस वजह से इसने तो मेरा ख्याल है कि हमारा, और जो हमारा प्री ऑप वाला जो वार्ड है वो भी उनसे बहुत डिफरेंट बनता है. सो बिकॉज हमारे सिनेरियोज, हमारी जो पेशेंट्स प्रेजेंट करती हैं एक एक वक्त में, तीन तीन एक जैसी इमरजेंसी वाली वार्ड लेबर रूम में, सो उसकी मैनेजमेंट और प्रायोरिटाइज करना जो है ना वो फिर हो जाता है. देख लेना, इसकी तैयारी कर लो, लेकिन अभी मेरा ख्याल है और बड़ा कुछ है तैयारी करने वाला. तैयारी बहुत अच्छी है सबकी, भी गुड. ठीक है, चलो इंशाल्लाह, ऑल द वेरी बेस्ट और बड़ी दुआएं. मैम जी, जवेरिया मैम, मैं चाहती हूँ ब्रेक ये बता दें. यार HRT बहुत लंबा टॉपिक है, डॉक्टर शिनाज कौसर का बहुत अच्छा लेक्चर इसके ऊपर है, वो देख लो, उसमें आपके सारी क्वेरीज उसमें यूट्यूब के ऊपर. ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर, क्योंकि जल्दी में बात इधर उधर होके तो वो फिर आपको गलत ना हो जाए, तो वो डिटेल में वो आपका सारा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है. ठीक है, सो गुड, वेल डन, बहुत अच्छी तैयारी है सबकी, ऑल द वेरी बेस्ट और बहुत सारी दुआएं. इंशाल्लाह रिजल्ट आता है, पास होते हैं हमें बताते रहना. ठीक है, थैंक यू, गुड लक, यू वेलकम, हाफिज, सब पास हो जाओगे, और जिसका खुदा ना खासा ना भी हो, परेशानी हो ना, वो भी पास हो जाएंगे इंशाल्लाह.